ये आपके सामने जो है ये यूपीएससी की जूम लाइब्रेरी है, इसे आप वर्चुअल लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, नॉट जस्ट यूपीएससी, दूसरे एग्जाम्स के भी, और हम लोग बहुत सारे शेड्यूल्स भी रन करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स का भी करंटली चल रहा है। तो मेन स्पेसिफिक अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सट्रैडिशन हो गया, तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सट्रैडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, और आपको और सैम्पल्स देखने हैं उसका लिंक भी, उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर। एनवायरनमेंट सेक्शन में पहला टॉपिक है 5.1 में 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द CBD, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 15th मीटिंग हुई थी, बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस होती है पार्टीज़ की, पार्टीज़ मतलब जो मेम्बर्स हैं इसके यहाँ पर। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो CBD है, कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, ये कनमिंग में हुआ था चाइना में, तो ये कनमिंग डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। एनवायरनमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस किसी लोकेशन पर होती है उसके नाम से फिर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उन पर ही आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो इनका ऑब्जेक्टिव था इस बार का मेन, वो था कि जो हम लोगों ने 2011 से 20 तक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किया था 2010 में नगोया में जापान में, उसमें किस तरीके से हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे काम करेंगे, उसके 20 टारगेट्स भी सेट किए थे और 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स थे जिनको हम एक्चुअली ABT के नाम से जानते हैं, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के नाम से। 2020 के एक मैगजीन में हम लोगों ने ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट डिटेल में किए थे, एक्चुअली इसमें मोस्टली ना कवर हो नहीं पाए थे। तो अब जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है ना, 15th वाली जो हुई है, इसमें देखा गया कि कैसे हम लोग 2020 के बाद, स्पेशली जो कोविड का टाइम पीरियड रहा था ना, उसके बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर कैसे बायोडाइवर्सिटी का एक फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे, ताकि जो पहले वाला जो प्लान था हमारा उसको रिप्लेस कर सकें हम। तो कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए गए हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, 2022 में दोबारा मिलेंगे इन सभी गोल्स को फाइनल एग्रीमेंट के लिए। अभी कुछ आउटलाइन सेट किए गए हैं कि 21 टारगेट्स रखेंगे 2030 तक के लिए, यानी कि आने वाले अगले 10 सालों में 21 टारगेट्स होंगे और 4 गोल होंगे, और विजन जो है बाय 2050 का वो है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, ये 2050 तक का ओवरऑल विजन रहा है हमारा इसमें। तो इसके बारे में ही जानना है हमको। अब आउटकम्स देखते हैं, जब कॉन्फ्रेंस हुई है तो आउटकम्स क्या कुछ होंगे। कनमिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, अब ये आपको पता होना चाहिए कनमिंग कौन सी लोकेशन पर है, हम लोगों ने ऊपर देख लिया चाइना में है, नाम से भी थोड़ा आइडिया लगा लेना नगोया कहाँ पर है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो वो भी जापान का ही है, वहाँ की एक सिटी का नाम है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो कनाडा में अडॉप्ट किया गया था। तो अब ये कनमिंग डिक्लेरेशन होगा, ये चाइना के थ्रू होगा। तो मोर देन 100 नेशंस, इंडिया वगैरह ने इन्होंने कमिटमेंट की थी अपनी साइड से कि 2020 के बाद का जो पैंडेमिक, एक तो पैंडेमिक हो गया था 2020 में और फिर एक नया डेकेड भी स्टार्ट हुआ है, तो कैसे हम लोग अपना ओवरऑल एनवायरनमेंट को एंड बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करेंगे, और हम अडॉप्ट कैसे करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करेंगे और अपने आने वाले एवरी प्रोसेस में, एवरी थिंकिंग में, इनोवेशन डेवलपमेंट में हम कैसे बदलाव लेके आएँ ताकि हम एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना करें। इसके अलावा अभी तक का जो लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, जो भी हम लोगों ने नुकसान किया है पॉल्यूशन के कारण, कार्बन वगैरह एमिशन जो भी हुआ है, और इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह, एवरीथिंग दैट वी हैव डन, हैबिटेट का लॉस किया है और बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, उन सबको रिवर्स करना है। और ये भी देखना है कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग जो दूसरे कंजर्वेशन के एफर्ट्स हम लोगों ने लिए थे उन पर कितना काम हुआ है, बेसिकली जो एमिशन गैप वगैरह रिपोर्ट वगैरह होती है ना, उन सब के ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कमिटमेंट की कंट्रीज़ ने कि 30%, ये 30 बाय 30 टारगेट याद रखना है, 2030 तक एटलीस्ट 30% लैंड और सी हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। देन कनमिंग बायोडाइवर्सिटी एक फंड भी क्रिएट किया जाएगा, चाइना ने एस्टेब्लिश किया है, इसमें $230 मिलियन की बात की जाएगी। ध्यान रहे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और उसके बाद 1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़ होते हैं। तो हर बार ये 10^9, 6, 9 एंड 10^12 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे होता है। तो 230 मिलियन, और फिर US डॉलर अगर इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करना हो तो 230 इंटू 10 लाख,
और उसके बाद इंटू 70 कर दो, यानी कि 7 × 23 × 10⁻¹ कर दो। प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करने की बात की गई थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग बढ़ाना चाहते हैं ताकि अच्छे बोल्ड एक्शन लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो ये गवर्नमेंट ही आपस में मिली है, गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। GEF जो कि यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का और UNEP का जो फैसिलिटी वगैरह है, ये ट्रैकिंग करेगा पूरा, फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट यहाँ से लिए जाएंगे। जो ये कन्वेंशन था ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये क्या था, ये 1992 में जो हमारा रियो अर्थ समिट हुआ था ना, उसमें बात की गई थी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजी आप समझते हो डाइवर्सिटी मतलब विविधता को लेकर, हम लोगों ने एक ट्रीटी साइन की थी 1992 में, कैसे हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को सेव करेंगे। तो उसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो उसे कंजर्व करना है और उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है। सस्टेनेबल वर्ड की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी ब्रेटन वुड कमीशन से, तो जो ब्रंटलैंड कमीशन था 1987 के आसपास आया था। ब्रंटलैंड एक्चुअली फॉर्मर नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था, तो उनके नाम पर था उनका, क्योंकि हम कमीशन के हेड वो थे। फिर इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, जो भी बेनिफिट्स होंगे इन सब चीज़ों के, जेनेटिक रिसोर्सेज के। इसके अलावा तीन प्रोटोकॉल्स भी थे, CVD के सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट थे, एक तो कार्टेजना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी के लिए, नगोया प्रोटोकॉल भी था और नगोया कुआलालंपुर का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था। ये नाम आपको याद होने चाहिए, पर हालांकि अब ये पहले पूछे जा चुके हैं तो एग्जैक्टली इनके ऊपर तो नहीं पूछेंगे, सिंस जो भी नई चीज़ें आ रही ना ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कन्विंग डिक्लेरेशन का थोड़ा ध्यान रखना, ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर है और ये चाइना में हुआ था, 30% वाला टारगेट इसमें रखा गया है। ये पूछ सकते हैं आपसे टारगेट इस तरह के, तो क्योंकि ये थोड़ा बहुत ओपन टारगेट दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट फिक्स नहीं दिया इतना ज़्यादा। अब 2020 के बाद अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर एक बायोडाइवर्सिटी का फ्रेमवर्क सेट करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर नज़र डालते हैं। एक तो इसको अडॉप्ट करना, जब आप ऐसे टारगेट सेट करोगे लैंड और ओशियन वगैरह को सेव करने की कोशिश करोगे, तो बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसे बायोडाइवर्स रीजन्स में बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ वाले लोग रहते हैं, उनके अपने खुद के इंडिजिनियस राइट्स होते हैं। अगर आप डेवलपमेंट करोगे या एनवायरनमेंट को बचाओ, कहीं ना कहीं आप उनके लाइवलीहुड को भी हैम्पर करोगे, नुकसान पहुंचाओगे। फिर एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, एक कंट्री सी है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मल्टीलेटरल लेवल पर कोऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। फिर क्वालिटी टारगेट्स की अभी भी कमी है हमारे पास, इसके कारण जो प्रोटेक्शन के जो एरियाज़ होंगे ना, वहाँ पर कंजर्वेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्वालिटी टारगेट्स नहीं है। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ क्वालिटी टारगेट्स, टारगेट्स हैं लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है। DSI क्या होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो ना किसी भी जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग और एनालिसिस से, उसको बोलते हैं डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। तो इसके कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, उनको हमने कवर नहीं किया अभी तक। हम लोग यही देख रहे हैं ना कि ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन हुआ है इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, हम लोगों ने DSI के कमर्शियल बेनिफिट क्या होंगे उनको कवर नहीं किया है। तो कुछ कंट्रीज़ के पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन कुछ के पास उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती, उनकी क्षमता नहीं होती कि उसका यूज़ कैसे करेंगे। एम्बिशन एंड अर्जेंसी, एम्बिशन का तो आप समझते होंगे, तो एम्बिशन में अभी कमी दिखाई दे रही है, हालांकि ना बहुत जनरल पॉइंट दे दिया गया, कुछ नहीं मिलता तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। इस ऐसे पॉइंट्स को ना वैल्यू टॉप पे मत देना, सबसे लास्ट में लिखना कि कोई स्टेटमेंट बचा ही नहीं है। तो ऑल दो ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, बट स्टिल, तो साइंटिस्ट ने जब बताया था ना कि मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो अपने आप में बहुत शॉकिंग था वो। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जैसे एम्बिशंस बनाए और जो अर्जेंसी है सिचुएशन के टाइम की एट प्रेजेंट मोमेंट, हमने उसको उतनी वैल्यू दी नहीं है, उसे इतना अर्जेंट हमने कंसिडर किया नहीं है। फाइनेंस की गैपिंग हमेशा से रहेगी, तकरीबन $700 बिलियन की कमी है, उसकी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। आगे देखेंगे, किसी इंडिया ने डिमांड भी किया कि इस तरह का जो अमाउंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ शेयर करें। कन्वीनियंट मैकेनिज्म्स नहीं है कि कैसे हम इन गोल्स वगैरह को, एम्बिशंस को ट्रैक कर पाएंगे और इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो भी बायोडाइवर्सिटी के ड्राइवर्स होते हैं ना, उनमें एटलीस्ट 2011 से 20 में जो हमारा IG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का टाइम था 10 साल का, उसमें कहीं ना कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस और डिक्लाइन देखने को मिला था। अब आप इस तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग में ये ऐसे स्टेटमेंट लिखते हो कि अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ 5th GBO रिपोर्ट, ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई भी 20 टारगेट्स फुली अचीव नहीं हुए थे। ये रेड कलर में इसलिए हाईलाइट किया था, याद रखना IOC बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में से कोई भी ऐसा नहीं था 20 में से जो फुली अचीव हो गया था। इसके ऊपर अपने आप में क्वेश्चन बनता है पूरा ABT के ऊपर। हो सकता है कि वो यही पूछ लें कि जब IOC बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे उनका क्या स्टेटस रहा था। जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब आए थे ना, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था मेंस में, और उससे पहले जो वो एक और टाइप के गोल थे ना, कौन से थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, MC थे, मुझे अभी सडनली याद नहीं आ रहा, MDG समथिंग थे, तो उन पर क्वेश्चन पूछा गया था कि SDGs कैसे यूज़फुल होंगे, पुराने वाले जो थे उनमें क्या कमियाँ थी।
सेम चीज़ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन पर भी। जब नीति आयोग नया आया था तो प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या कमियाँ रह गई थी जो नीति आयोग में फुलफिल की गई हैं, तो ऐसे ही इसमें पूछ सकते हैं कि अभी कन्विंग डिक्लेरेशन में जो गोल वगैरह सेट किए गए हैं उसमें ये पहले वाला जो फिफ्थ जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंगली पहले 20 में गोल वगैरह सेट नहीं किए गए थे। एफर्ट्स फॉर फ्रेगमेंटेड टुकड़े टुकड़ों में हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग ऑर्गनाइजेशन होती हैं, किसी कंट्री का कोई लेवल है एमिशन का, किसी का कोई नहीं, किसी की GDP अलग है, किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो सब कुछ होलसम नहीं है, एक साथ नहीं हो रहा है। तो कहीं क्लाइमेट चेंज का इशू है, कहीं लैंड का, कहीं वो फ्लड का इशू चल रहा है, कहीं फायर का चल रहा है, अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं। स्मॉल फार्मर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा क्योंकि वो लोग छोटे छोटे ऐसे ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होते हैं जिनका एक कनेक्टिविटी होती है एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की ही बात करेंगे तो उस पर काम करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं किसानों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, और अगर उनकी लैंड वगैरह को यूज़ किया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इवन एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, किसी तरीके से अगर उनको बोलेंगे फर्टिलाइज़र यूज़ मत करो ऐसी चीज़ें, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो फार्मर्स होते हैं, स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑफ एम्फसाइजिंग कार्बन स्टोरेज फंक्शंस ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं आप सोच के देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पानी को बचाना है, पॉल्यूशन रोकना है, तो कुछ ऐसे ना कुदरती उपाय होते हैं, उसके कारण क्या हो सकता है कि कार्बन एमिटर्स यूजिंग फ्री प्लांटिंग एंड अदर कार्बन ऑफसेट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर टू अवॉइड देयर ड्यूटीज़ टू कट एमिशन। हालांकि ये एक्सप्रोप्रिएट भी कर सकता है जो फॉरेस्ट के यूजेज राइट्स होते हैं इंडिजिनियस पीपल के। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है ना जिसमें वो क्लेम कर लेते हैं कि प्राइवेटली ओन्ड कोई प्रॉपर्टी होती है ना, वो ओनर के विशेस के अगेंस्ट, तो ये नुकसान हो सकता है कि आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में। अभी आप देखोगे ना फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनको अपना एक ट्रेडिशनल तरीका होता है पूरे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को सेव करके रखने का, लेकिन कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट का कोई इस तरह की इंटरवेंशंस होती है ना, तो हम उन पुराने चीज़ों के सॉल्यूशंस वगैरह के ऊपर अपने तरीके से उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण नुकसान हो सकता है। कभी कभी हम लोग बोलेंगे कि ट्राइबल्स लोग के जो लैंड वगैरह होते हैं उसी को कंज्यूम करके उस पर रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन करेंगे तो हम लोग कार्बन सिंक इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण कार्बन स्टोरेज की फंक्शनिंग हो नहीं पाती और इसमें दिक्कत आ सकती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं, जो भी हम टारगेट्स बनाएंगे वो मेजरेबल होने चाहिए। अब मेजरेबल कैसे बनेंगे, जब हम इनके लिए कोई इंडेक्सिंग करेंगे, कोई रिपोर्ट वगैरह लॉन्च करेंगे, टाइमली मॉनिटरिंग करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, रिव्यू करेंगे, साइंटिफिक बैकिंग होनी चाहिए इसके अंदर, और आउटकम्स भी बहुत एक्सप्लिसिट होने चाहिए, यानी कि दिखने चाहिए। एक्सप्लिसिट यहाँ पर एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप पेपर पे दिखा रहे हो कि ये चेंजेस आए हैं वो कंट्री में, वो देश में दिखना चाहिए, संसार में, वर्ल्ड में, सरफेस के ऊपर पानी में दिखना चाहिए कि वहाँ की बायोडायवर्सिटी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम लोग सी लेवल राइज की बात करें तो दिखना चाहिए कि ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से होना चाहिए। फिर क्लाइमेट नेचर के जो क्राइसिस में क्या कुछ लिंक होते हैं, उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो पहले वाले कमिटमेंट्स थे ना क्लाइमेट के, लैंड सी के, उनके साथ हमको इनको अलाइन करना पड़ेगा जो प्रेजेंट वाले नए हम बना रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को एडिशनल कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है, ज़्यादा योगदान देना पड़ सकता है, और हम लोगों ने ऊपर तो बात की ही थी कि प्राइवेट को भी इनरोल करेंगे तो कहीं ना कहीं PPP भी आता है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी काम किया जाएगा। तो एटलीस्ट 10% जो ओवरऑल रिकवरी इन्वेस्टमेंट हुई थी COVID-19 के लिए, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग नेचर को रिस्टोर करने के लिए। देन ये याद रखना, क्या कुछ मेजर्स हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, सारे अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिलता है ना आंसर में लिखने के लिए ऐसे, तो इनको एक जगह पर लिख लो, ये सब बहुत काम आते हैं, इन सब बहुत कुछ बना सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड, साउथ साउथ मतलब ये जो हमारा जो ग्लोब है ना, इस पे इक्वेटर के बिलो जो कंट्रीज आती हैं मेजरली, उसमें हम इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी साउथ में काउंट करते हैं मेजरली। ऊपर की जो कंट्रीज हैं कैनेडा, US, यूरोप, रशिया, चाइना, ये नदर्न कंट्रीज़ मानी जाती हैं, स्पेशली US, यूरोप और कैनेडा वाले जो होते हैं ये थोड़े डेवलप्ड हैं। नीचे की तरफ जो कंट्रीज है साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन में इंडिया वगैरह, कुछ मिडल ईस्ट की, ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, तो साउथ साउथ का भी एक कॉपरेशन माना जाता है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, वुमेंस को एनरोल करना, और जेंडर इक्वालिटी वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, वो SDG याद रखना, फिफ्थ होता है जेंडर इक्वालिटी का, SDG 5। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था सारे याद ना हो तो मिनिमम पहले 5 याद कर लो, उसमें मोस्टली टॉपिक कवर हो जाते हैं। पहला है पॉवर्टी, सेकंड हंगर, थर्ड हेल्थ, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। मैं इसी वीडियो में कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो होपफुली वो मतलब इस मंथ की पूरी मैगजीन में ही, और पिछले वाली में भी काफ़ी फोकस किया था इस चीज़ पे, सुनते सुनते याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोकल नॉलेज, पब्लिक को अवेयर करना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखनी है।
इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है HAC फॉर नेचर एंड पीपल। क्या है ये ग्रुप है 70 कंट्रीज़ का ही, और इसमें जनरली वही है 30% जो वर्ल्ड का लैंड और ओशन है उसको 2030 तक हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये 30 by 30 का टारगेट है, इंडिया ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। ये एक अपडेट याद रखना, इसमें इतना याद रखना इंडिया ने HAC ज्वाइन किया है, 70 कंट्रीज़ का है और 30% इसमें वर्ल्ड का लैंड और ओशन को हमें प्रोटेक्ट करना है। किसके द्वारा किया गया है, तो इसमें लैंड वाला जो पार्ट होगा उसको जनरली कोस्टा रिका फ्रांस वगैरह करेंगे, यूके होगा, ओशन को कोचेयर करेगा, इस तरीके से। बट मेजरली आपको याद रखना है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है और ये 30 by 30 वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये था पहले टॉपिक में, ज़्यादा कुछ टफ तो था नहीं। मैं आपको UPSC हैंडी बुकलेट के बारे में सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये सब कंटेंट आपको मिलता है इस UPSC की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में। तो मेंस के क्वेश्चन ये रहे 400 से ज़्यादा, ये माइंड मैप्स के एक्चुअली थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, ये डबल हो चुका है। तो इट्स नॉट 300, इट्स एक्चुअली 600। ठीक है, इसमें स्टैटिक हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, मेन स्पेसिफिक हो गया, प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो गया, और मेजरली जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जैसे कि कोई जो भी अच्छी मंथली मैगजीन्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, या फिर जो सनसेट टीवी पर जो पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था उनमें जो टॉपिक्स जो बहुत मेजर होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। और आपको मैं सैंपल भी दिखाऊंगा अभी, सारे के सारे निमोनिक्स हैं 200 से ज़्यादा, ये सबके सैंपल हैं अभी इसी वीडियो में। इस आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़, हिंदू के एडिटोरियल के लिंक्स हैं, इसमें साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के लिंक्स भी हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट भी है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, टॉपर्स डेटा, 7 शेड्यूल, साथ में इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है इसी के साथ। 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, मेंस के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर ये टॉपिक वाइज और ईयर वाइज अलग अलग तरीके से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन और रिवीजन की एक पाइपलाइन की एक टेक्निक है बड़ी अच्छी, और कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सब मैं आपको भी दिखा देता हूँ सैंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या कुछ होता है, कैसे डाउनलोड करना होता है, सब इसी लिंक में होगा। इसके बाद वीडियो लगातार देखते रहो, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब फोल्डर्स हैं माइंड मैप्स के, सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स जो भी मेजर करंट अफेयर्स में थे, राज्यसभा टेलीविजन जिसका नाम अब चेंज हो चुका है सनसेट टेलीविजन, उसमें जो भी आता है आप लोगों ने देखा होगा मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से रिपीट होते हैं, तो उनके इवन प्रीलिम्स में भी आपके लिए बहुत सारा डेटा है। यहाँ पर स्टैटिक भी है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी वगैरह का, और आपके करंट अफेयर्स के भी हैं। जो भी मेजर जो मैगजीन्स वगैरह जिन टॉपिक्स को कवर करती हैं उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके उन्हें बनाया गया है। कुछ तो एक्स्ट्रा माइंड मैप्स भी हैं, इफ़ यू काउंट देम तो ये मोर देन 600 बनते हैं। एक रफ एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, ये बैकग्राउंड क्या है, उसकी नीड क्या है, इश्यूज़ क्या है, एंड अगर भारत स्टेज नॉर्म्स की बात की जाए उसमें वे फॉरवर्ड क्या, चैलेंजेस क्या क्या चल रहे हैं, कार्नेटिक वॉर्स जो हमारे हुए थे ये स्टैटिक का पार्ट हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो स्टैटिक वगैरह भी हैं, कुछ चीज़ें मिक्स हैं, कुछ अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं, कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में ये स्टैटिक का पार्ट बन जाता है, इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर। अगर आप देखो इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, मालदीव, म्यांमार, सब आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे तो दिखा भी नहीं पाऊंगा यहाँ पर। ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, उसके कॉजेज, उसके इम्पैक्ट, उससे रिलेटेड उसका अबाउट में, पॉवर्टी को एलिवेट करना होता है, इम्पैक्ट क्या था COVID-19 का, चैलेंजेस क्या होते हैं, सिचुएशन क्या है वर्कर्स की, रोलेट एक्ट ये आपका स्टैटिक से हो गया छोटा सा, सी लेवल राइज हो रहा है एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया है, उसका कॉजेज क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इकॉनमी का, स्टेट के फाइनेंसिस कैसे, स्टेट फाइनेंसिस कहाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट का डेट क्या होता है, न्यूज़ में क्यों रहता है, फीचर्स क्या क्या थे, रिपोर्ट रिलीज हुई थी, वर्नेकुलर एजुकेशन को लेकर कौन से ईयर में क्या कुछ था, सब कैटेगराइज्ड है, बहुत सारे हैं, मैं आपको एक 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 खोल के दिखाऊंगा। तो क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट थी NCRB की पब्लिकेशन को लेकर के, उसके अलावा डिप्टी स्पीकर लोकसभा पॉलिटिका स्टैटिक वाला टॉपिक न्यूज़ में था, वो भी कनेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको पता होगा मेंस में अब रिपोर्ट्स पूछने लग गए हैं, 2020 में 2 रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बने थे, तो वीमेन को लेकर, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, मैं एक एक सारे दिखा नहीं पाऊंगा, छोटा छोटा आइडिया दिखा रहा हूं आपको मैं। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट कितना न्यूज़ में था, इसका एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2021 में आया भी था। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, सोशल इश्यूज़ के भी, एवरी डायमेंशन हैज़ बीन कवर्ड, मोर देन 600 माइंड मैप्स आर देयर। तो ये आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जगह काम आएंगे और बहुत ही शॉर्ट है, इनको याद करना। एक ड्राफ्ट था जो नेशनल टूरिज्म को लेकर के था, तो ड्राफ्ट था तो उसमें बहुत ही कम है, स्कीम्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो क्या होता है, स्टेटस क्या है इंडिया में, वे फॉरवर्ड क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एवरीथिंग इज़ मैंशनड हेयर, बहुत डिटेल में है, मोर देन 600 हैं और बहुत ही जेन्युइन रिसोर्सेज से, जैसे स्पेशली जो सनसेट टीवी वगैरह में आते हैं उनको ध्यान में रखिए कि हाँ ये टॉपिक मेन स्पेसिफिक है, ये प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, इनके चांस आने के चांसेस ज़्यादा हैं उस तरीके से। अगर देखो बात की जाए निमोनिक्स की, तो ये बहुत सारे कंटेंट को याद करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, प्रीएम्बल के कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, टाइप्स ऑफ राइट्स, इनके सबके निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से क्या कुछ लिया गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं,
उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 2021 में तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन, बट नहीं आया, बट स्टिल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाद में आएंगी। और बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं आपके सामने, फर्स्ट फाइव ईयर, ये सारे फाइव ईयर प्लान के शॉर्ट शॉर्ट हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज़ हो गया, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इंडेक्स है। अब मैं जल्दबाजी में सारे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है? तो ऑल दिस इंडेक्सेस विल बी, ये सबके निमोनिक्स होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे मोर देन 85 के आसपास पेजेस हैं इस पूरे में। और ये कितने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका काउंट ही नहीं है कोई। तो सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं। जो चीज़ें याद ना हो, मान लो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में याद करना हो, तो आप सीधा एक्सक्यूज़ मी याद करो, ये एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में याद करो vpro.co.in, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट इनकम, है ना। कोर इंडस्ट्रीज के लिए CCC फंड्स हो गया, C3 फंड्स हो गया। और मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो पटना, इस तरीके से होते हैं सारे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। कुछ एक दो हिंदी में भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ना, कभी कभी हर एक चीज़ ऐसी ईजी नहीं हो पाती, तो हिंदी वाले भी टाइप के भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राम की, काली की, काश महान होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जैसे दूसरे तरह के निमोनिक्स से ब्राइटेस्ट स्टार को लेकर, 4 DNA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर हैं, तो सो मच ऑफ कंटेंट की सारा तो याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ये। आपको 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 6 E's हैं, तो आप लिख सकते हो एंगेजमेंट, ईथोस, एथिक्स, इक्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। 5 T हो गया ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन, स्मार्ट बैलेंसिंग कैन बी यूज टू रिस्पेक्ट टू चाइना, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हो, वाटिका हो गया, वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर, इंडिया के बारे में आप बात कर सकते हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया, 3G की बात कर सकते हो, गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लैनेट, गुड फॉर प्रोड्यूसर, ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ABCD में अवार्ड, बाईपास, कन्फ्यूज, डिले, रोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे मोर देन 400 के आसपास कीवर्ड्स हैं। 2E की बात करें, दो चीज़ों पर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो ये आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं और कंटेंट को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं, आप इन्हें सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो हिंदू है उसके कुछ एडिटोरियल के लिंक्स, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलेगा, सारे तो एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो कुछ कुछ के ना कलेक्शंस हैं ऐसे, तो ये मंथ वाइज हैं, जैसे जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स हैं, और आपको डेट वाइज जैसे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, और इसमें एडिटोरियल वाला सेक्शन वो भी, प्लस में एनवायरनमेंट में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई होती है, साइंस एंड टेक की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ये उनके लिंक्स हैं। आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप एक वीक का जब न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो उसके बाद आप जाके इन लिंक को चेक करोगे, यार मेरे से कोई इंपॉर्टेंट तो मिस तो नहीं हो गया, और सिर्फ उस एक लिंक को पढ़ लो। अगर आप पूरा पूरा यहीं से पढ़ोगे तो आपका कंटेंट उतना अच्छे से कवर नहीं होता, ये वो चीज़ें हैं जो रह गई हो ना, वो गैप्स फिल करने के लिए। तो ये आपको लास्ट डेट तक के मिल जाएंगे, ऐसे सारे लिंक्स होते हैं, किसी दिन एडिटोरियल का ज़्यादा आता है, किसी दिन एनवायरनमेंट का ज़्यादा आता है, किसी दिन साइंस एंड टेक का। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, पार्ट वाइज हैं, उसमें आर्टिकल्स वैसे हर जगह मिल भी जाते हैं, बट इसलिए साथ में प्रोवाइड कर दिया कि थोड़ा आसानी हो जाएगा, तो स्टिल इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में हेल्प मिलेगी, इफ़ यू कैन गेट अ प्रिंट आउट तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप अपना टास्क मेंशन करो, व्हाट टू डू, उसमें टारगेट लिखो, टोटल उसमें अपने आप को पॉइंट्स दो, और जितना परफॉर्म करते जाओ उसके पॉइंट्स लिखते चलो, आपकी डेली परसेंटेज की परफॉर्मेंस की डेटिंग भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और आपको अपना एवरेज परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि मेरा 5 दिन का एवरेज परफॉर्मेंस कितना था, और आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा, और दो तरह के ग्राफ अपने जनरेट कर सकते हो। तो एक सैंपल है, जैसे आपका टास्क ABCD था, आप अपना लिख सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपनी मर्जी से जो आपको करना है वो करो, किसी में आपको स्टडी करना होगा, किसी में आपको रिवाइज करना है, किसी में आपको नोट्स बनाने हैं, टारगेट अपना लिख सकते हो, फिर मान लो आधा काम किया तो 5 पॉइंट दे दो, पूरा कर लिया तो 10 दे दो, थोड़ा ज़्यादा किया तो 7, फिर इनका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परसेंटेज बनता रहेगा, और यहाँ पर आपका ग्राफ जनरेट होता रहेगा, और आपकी जो 5 दिन की एवरेज है वो भी निकलती रहेगी। अब यहाँ पर जितना काम यहाँ कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एवरेज निकली है कि दिस पर्सन हैज़ डन 16.93%, ये एवरेज काम है। तो अगर आपकी एवरेज तकरीबन 80% या फिर उसके प्लस माइनस 2% -5 लगा लो, 75 से अगर 85-90 की रेंज में रहती है, देन आपका जो स्टडी को लेकर के जो आपका एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो अपनी हर 5 डेज की। फिर ये प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, जैसे यहाँ पर हो गया आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, और उसके बाद नीचे अलग अलग तरह के टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो कम है, ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो 1979 तक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशनड है, और आप देखोगे इनमें रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के हैं ये 1999 से, पेपर वाइज हैं, आप वो तो टॉपिक वाइज थे, ये पेपर वाइज लाइक GS 1, 2, 3 एंड 4। 2020 का जो GS 4 का पेपर है वहाँ तक आपके पास सीक्वेंस है पूरा का पूरा।
देन इसके बाद मेंस के काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज तरीके से है, उसमें क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड देर आर जीएस 1K, 2K, 3K, 4K, ऐसे मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। और इवन अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, तो एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अपने मन के अंदर ही एक इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, तो ये रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट तो नहीं गया। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है 1800 से स्टार्ट करके और लास्ट तक जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चलती है, तो छोटे छोटे किस्से होते हैं। अब आपको देखने को मिला होगा 2020 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के दो क्वेश्चन ऐसे थे जो डेट स्पेसिफिक थे, तो टाइमलाइन आपको पढ़ते रहने से क्या होता है, मेजर मेजर इवेंट्स कब कब कौन से हुए थे, तो रिवाइज करने में बहुत जल्दी काम हो जाता है, अननेसेसरी पूरी बुकलेट को नहीं पढ़ना पड़ता। कोट्स हैं, टाइप वाइज भी हैं, जैसे टाइप वाइज में एजुकेशन को लेकर, कंपैशन, इंटीग्रिटी, साइंस एंड टेक, रिलीजन, मटेरियलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे अलग अलग हैं। और थिंकर्स की कैटेगरी में भी है, यानी कि अब थिंकर्स के हिसाब जैसे महात्मा गांधी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, बट यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं थी कि इनको सिर्फ प्रोवाइड करना है, इंटेंशन थी कि छोटे वाली कोर्स प्रोवाइड करनी है, जितना छोटा कंटेंट होता है, छोटी कोर्स याद हो जाती हैं, बड़ी कोर्स याद नहीं हो पाती। तो थिंकर के अकॉर्डिंगली भी हैं और वैसे टाइप्स वाइज भी हैं, तो बहुत छोटे छोटे कोर्स रखने की कोशिश की अगर आप देखोगे तो, जैसे कुछ कुछ बड़ी हो भी जाती हैं, जैसे जेन ऑनस्टन की बहुत छोटी सी है, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज, यू कैन यूज़ दिस इन एथिक्स, इन एसे, इवन जीएस में भी कहीं पर अगर सेंस बने तो आप यूज़ कर सकते हो। ये रेपिटेशन पाइपलाइन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको करना क्या होता है ना, अगर आपको अपना रिवीजन का टाइमलाइन बनाना है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे जहाँ जहाँ पर टॉपिक ए है येलो कलर में, आप इसको रिप्लेस करो। अभी एक्सेल शीट मिलती है आपको, तो यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल एफ और उसके बाद रिप्लेस में आकर टॉपिक ए को रिप्लेस कर दो। मान लीजिए आपका पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स था, तो आपने नून में फर्स्ट डे को मान लो यहाँ पर पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो आप जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रहेगा कि यार मुझे सोने से पहले एक बार फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है बहुत क्विकली 5 मिनट का, और नेक्स्ट डे मुझे डेट सेकंड डे में मुझे मॉर्निंग में स्लीप के बाद मुझे एक बार सबसे पहले कल वाला रिपीटेशन करना है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना रोज रोज बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पेपर पे लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पर एक बार रिप्लेस करोगे तो आपको फिर अगले दिन फोर्थ डे जब आप बैठोगे तो आपको नई चीज़ पढ़नी है टॉपिक सी, यानी हो सकता है मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है यहाँ पर, तो आपको उसके बाद याद रहेगा कि यार मैंने ना 3-4 दिन पहले ये किया था फंडामेंटल राइट्स, ये आज मुझे रिवाइज करना है। तो ये तो सबको पता है कि रिपीटेशन इसी तरीके से काम करता है, तो आपको बस ये करना है, फिर आप 11th डे चाहो तो अपना सारे का सारा एक दिन बैठ कर सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। ये एक्सेल शीट का कंटेंट यू कैन एक्सटेंड इट, बट मैं कहूँगा कि 10 डेज का इज़ फाइन। लोग ना 7 डेज का बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, बचपन से हमको आदत है, स्कूल टाइमिंग में 10-12 साल वहाँ स्पेंड किया, तो माइंड की बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है कि संडे को रेस्ट करना होता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, संडे को अभी भी ब्रेक ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा कि यूपीएससी इज़ नॉट स्कूल वाला एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, तो इसलिए इसको कीप इट 10 डेज एंड 11th डे पर फुल रिवीजन करना, बाकी फोर्थ डे पर, लोग बोलते हैं थर्ड डे, आई वुड से कि कीप इट ऑन फोर्थ डे, थोड़ा सा वो जो कॉमन पैटर्न होता है ना उसमें लथार्जी आ जाती है, उसको चेंज करने से फ्रेशनेस आती है। ये टॉपर्स का कुछ डेटा है, अगर आप लोग जिन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होती है ना उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। अब इसमें 2020 के जो टॉपर हैं शुभम कुमार सर, उनका डेटा भी ऐड किया नहीं है, बट ये आपको वाया अपडेट मिल जाएगा। इसमें है क्या सीन, जैसे ईरा मैम का था, टीना मैम का था, नंदिनी मैम का, अब आप नोटिस करोगे कि इन लोगों की यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखे हैं। अब इफ़ यू लुक एट इट ना, सो जैसे टीना मैम का था वो जीएस टू में क्या होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एंड शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन्होंने ग्रेजुएशन में यही किया था, बट यू सी कि इनके मार्क्स यहाँ पर बहुत कम है, बट इन्होंने यहाँ इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पर आप अगर कनिष्क सर का देखोगे तो इन्होंने ऑप्शन में बहुत सही परफॉर्म किया था, और आप अनुदीप सर का देखोगे इनके ऐसे बहुत अच्छा था, इनका जीएस 1 और 2 बहुत सही था, है ना। आप प्रदीप सर का देखोगे तो इन्होंने एथिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 157। तो आपको इन सब मार्क्स को देख के ना ये आइडिया लगेगा कि यार इनके ना कुछ ग्राफ्स प्रिपेयर होते हैं, यू सी दिस जोन एंड दिस जोन, ये ऐसे का जोन है, है ना, ये ऑप्शनल का जोन है, इवन ये वाला भी, ये एथिक्स का जोन है। आपको यहाँ पर ना ये ग्राफ ओवर 150 के आसपास दिखाई देगा, बट इफ़ यू लुक एट दिस जीएस 1, 2 एंड 3 ना, ये ग्राफ आपको 100 के रेंज के आसपास दिखाई देगा। ऐसी चीज़ें इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, इंडिविजुअल भी हैं, और भी बहुत सारा डेटा ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा कि यार किस टॉपर ने कैसे कहाँ दिमाग लगाया, कितने लोग कहाँ अपीयर होते हैं, कितना पॉइंट सिलेक्शन होता है, ये 0.010 के, ये सब आप पढ़ोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यूपीएससी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसमें ये 69th रिपोर्ट का डेटा है, 70th रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कोरोना था बीच में तो उन्होंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया उसमें, मैंने उस रिपोर्ट को देख लिया था, तो ये वाला जो डेटा आपके पास है ये हेल्पफुल है। आपको ये आइडिया लगा कि किस किस स्ट्रीम से कितने तरह के लोग आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, है ना, बट इट्स वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन स्ट्रैटेजी, अपना प्लान बना रहे होता है ना कि मुझे कहाँ पे काम करना है, है ना। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको इसमें दिख जाएगा कितने लोग अपीयर हुए थे, किसने रिकमेंड हुए थे। इफ़ यू लुक एट इट, ज्योग्राफी में देखो 2000 के आसपास लोग अपीयर होते हैं, बट आप वहीं पर देखोगे बॉर्डर लैंग्वेज में एक बंदा अपीयर हुआ और एक का ही सिलेक्शन होगा, तो 100% सिलेक्शन रेट हो गया। बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी है, जैसे PSIR हो गया, PubEd हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको उनका सक्सेस रेट पता चलेगा कि इसमें कितने लोग अपीयर करते हैं, उसमें कितने के चांसेस होते हैं। जैसे सिंधी लैंग्वेज की बात करो, 2 लोग अपीयर हुए, 1 का सिलेक्शन हो गया।
इस तरीके से बहुत सारे डेटा और भी डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। सो ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए कि आप इन सब कंटेंट को यूज़ करो एंड यू एनहेंस योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखो 50% सुपर सेल लिख रहा है, आपको एक कोड यूज़ करना है UPSC50, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने आपको सारा कंटेंट दिखाया था वो आपको रेड में दिख रहा है, ये नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में, ये ऑल इन वन है, वो सारा डेटा जो आपको दिखाया था वो सब इसमें मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, 7 शेड्यूल थे हॉट टॉपिक्स से, आंसर राइटिंग कीवर्ड्स के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पैकेज में मिलेंगे। तो जो कुछ लिखा हुआ है ये सब आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना UPSC50 का, ये सिर्फ इस पर चलेगा, ऑल इन वन वाले पर। बाकी कुछ लोगों को होता है कि उन्हें सारा कंटेंट नहीं चाहिए होता है, उन लोगों के लिए सेपरेट भी है, माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, अलग अलग कलर में ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, येलो, ये कलेक्शन आप देख सकते हो टाइटल पढ़ के, आपको वो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। पर इनके ऊपर UPSC का डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा, डिस्काउंट कोड सिर्फ ऑल इन वन वाले पर चलेगा। तो यू कैन डाउनलोड दिस और ये कंटेंट जो है आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने ईमेल में ऐसे दिखाई ना दे कि मैंने पेमेंट कर दिया, वैसे कभी कभी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने सिंपली पेमेंट किया तो अपने ईमेल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करना ऐसे इंस्टा मोजो या फिर वो UPSC हैंडी बुकलेट, तो आपको ईमेल में मिल जाएगा वो। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट में जब कंटेंट आपको मिलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये कवर भी नहीं कर पाते हैं लोग, बट स्टिल मेरा क्या, इसमें कोई अपडेट का ऐसा रूल है नहीं, बट स्टिल मेरा क्या होता है कि मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ, तो आई कीप सेंडिंग इट। तो जिस दिन आपका परचेज होता है उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स की डेट तक, ठीक है, डेट ऑफ परचेज से अगले 3 महीने तक, अगर मैं कोई अपडेट क्रिएट करता हूँ तो मैं आपको ईमेल पर भेज देता हूँ। उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करनी हो कि क्या कोई अपडेट क्रिएट हुआ है या फिर आएगा या नहीं आएगा, तो जो टेलीग्राम का लिंक है ना नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लो, जो भी नोटिफिकेशन होती है अपडेट की उस टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है। तो यू कैन चेक दैट एंड आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ये डिस्काउंट कोड जरूर यूज़ कर लेना। एनवायरनमेंट का सेकंड टॉपिक है इंडिया एंड क्लाइमेट एजेंडा। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज का एक्शन प्लान है जिसे हमने नाम दिया है पंचामृत, ये जो 26th UNFCCC की COP हुई थी ग्लासगो में, ग्लासगो एक सिटी है स्वीडन की, ये पता होना चाहिए लोकेशंस के बारे में थोड़ा, तो उसमें बताया था पंचामृत के बारे में। इंडिया का ना ये जो इंडिया के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट के अंडर आता है, PCA के अंदर, NDC याद रखना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये हमारे कुछ टारगेट्स वगैरह हैं, इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि कितने फॉसिल फ्यूल्स का GDP का कितना परसेंटेज वगैरह, टोटल ट्री कवर कितना इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये आपको लिखना है और ये याद करना पड़ेगा। तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समराइज़ करके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो इस इतने पार्ट का PDF में से स्क्रीनशॉट लेके और अपने एनवायरनमेंट के नोट्स वगैरह में जहाँ भी रखना चाहो रख लेना, तो इस पार्ट में हम कुछ रीड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डायरेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। इंडिया के क्लाइमेट एक्शन को जो पूरा प्लान है उसमें चैलेंजेस क्या है, इंडिया कहाँ कहाँ क्लाइमेट को काउंटर करने, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको काउंटर करने में प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा है, एक तो हमारी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता हो तो इंडिया 4th largest कोल रिज़र्व कैरी करता है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आती है ना इंडिया के अंदर वो मोस्टली अभी भी कोल से ही आ रही है, तो इसको किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट करें, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत रिप्लेस करना ना, तो उसी के लिए। और एक नई चीज़ और भी है, पहली बात तो पुराने वाले ऑलरेडी इतने चल रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ नए कोल माइंस वगैरह के लिए जो डोमेस्टिक माइंस होती हैं उनके ऑलरेडी लाइसेंस वगैरह एग्री कर दिए, उनको अप्रूवल दे दिया है, फिर बैलेंस करना ग्रोथ और एनवायरनमेंट को। जनरली जो कंट्रीज़ होती है ना डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, और डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का नुकसान तो देखो होगा ही होगा, ये तो कुदरत का नियम है। तो जैसे कंट्रीज़ इंडिया ना, इनको ग्रोथ भी करनी है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ को अगर ध्यान देंगे ग्रोथ पर तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, लेकिन एनवायरनमेंट को भी बचाना है तो ग्रोथ पर इतना नहीं होता, तो इनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमारे एम्बिशंस में भी कमी है, साइंटिस्ट ने रिसेंटली भी एडवाइस किया कंट्रीज़ को कि जो नेट ज़ीरो है ना वो लेटेस्ट लेके आओ, पहले नेट ज़ीरो का जो प्लान था ना थोड़ा आगे तक था, बट अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नेट ज़ीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, नेट ज़ीरो यानी कि कार्बन एमिशंस की बात की जा रही है, उसको 2050 तक ख़त्म करो जल्दी जल्दी, तो ताकि जो भी ऑलरेडी जो एमिशंस हो चुके हैं उनको हम लोग रिवर्स भी करना है, हमें जो नुकसान हो चुका है टेम्परेचर का और क्लाइमेट चेंज का उसे रिवर्स करने में टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं अपने, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, इंडस्ट्री, सीमेंट, आयरन, स्टील वगैरह, नॉन मेटलिक मिनरल्स वगैरह में, यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ में अपने आप में इंटरनल कमिटमेंट्स नहीं है इतने,
फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बहुत सारे एमिशन्स राइज हो रहे हैं। अगर आपको पता हो पैडी यानी कि राइस के जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ से बहुत सारा उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, तो उसके कारण भी बहुत सारा एमिशन्स होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो अब एग्रीकल्चर तो इंडिया में है एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इकॉनमी का, लाइवलीहुड का, तो जितना ज़्यादा राइस वगैरह होता है कहीं ना कहीं वो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि तकरीबन 1 ट्रिलियन के आसपास इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, US हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गए, उन सबको हेल्प करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ को एटलीस्ट अराउंड $1 ट्रिलियन में। अब इसको कैलकुलेट करो आप, 1 ट्रिलियन कितना होता था, 1 लाख करोड़ होता था ना, लेकिन ये डॉलर में है तो 70 करो तो 70 लाख करोड़ के आसपास का। और अगर आपको याद होगी आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा प्लान था वो 20 लाख करोड़ के आसपास का था, ज़्यादा हो गया था, पर जो पहला मेजर जो पैकेज निकाला था 20 लाख करोड़ का था, तो हमको उसका तकरीबन 3-4 गुना चाहिए होगा जो हमारा पूरा पैकेज था, ताकि इंडिया अपने पूरे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। फिर इन जो हम लोगों ने टारगेट सेट किए हैं, जो प्रोविजंस बनाए हैं, जो कैंपेनिंग है, जो स्कीम्स वगैरह हैं, पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट को चेंज को काउंटर करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ का अपना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने इकोनॉमी सेक्शन के टॉपिक पढ़ा था ना, मिनिस्ट्रीज़ को 16 मिनिस्ट्रीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन अभी राइट नाउ उसमें प्रॉब्लम है। पहले से जो हमारे लॉज वगैरह हैं वो इतने एडिक्वेट नहीं है, इतने सक्षम नहीं है, इतने काबिल नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके, तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनको अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है। क्लाइमेट के एक्शन में अगेन फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों में काम हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं है, होलसम नहीं है, हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं हो पा रही है, तो कहीं पर इकोनॉमिक ज़्यादा जा रहा है, कहीं पर सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा जा रहा है। हमको हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा एक इंटीग्रेटेड मैनर में। ये पंचामृत जो है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर स्क्रीनशॉट के तौर पर। ये स्क्रीनशॉट वगैरह ना यहाँ से मत लेना वीडियो में से, ये PDF से ले लेना, PDF से इजीली हो जाएगा आपके लिए, या फिर अपने नोट्स में अगर आपके पास एनवायरनमेंट के ऑलरेडी हों, आपकी चॉइस है, आपको वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पंचामृत में इंडिया के क्या कुछ कमिटमेंट्स थे ग्लासगो में, हम लोगों को नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे 2070 तक, क्योंकि इंडिया कंट्री बहुत बड़ा है और इंडिया को डेवलपमेंट करना है। साइंटिस्ट ने बोला 2050 तक का कर दो। नॉन फॉसिल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 2030 तक हम बढ़ा देंगे 500 गीगावाट तक। 50% जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो रिन्यूएबल से आएगा 2030 तक। ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कई सेक्शंस में आप यूज़ कर सकते हो। टोटल जो भी प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन होंगे 1 बिलियन टन्स के होंगे फ्रॉम नाउ टिल 2030 तक। कार्बन की जो इंटेंसिटी है उसको सबको रिड्यूस करना है 45% तक बाय 2030। तो पहले वाले तीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको आप मल्टीपल आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। मिशन 2070 जो है ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, कार्बन एनर्जी को हमें लो करना है, कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन व्हीकल्स जो LPG NG वगैरह जो होते हैं उनको अडॉप्ट करना है, और ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एनर्जी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है वहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन करना है, कि एनर्जी तो कंज्यूम करें लेकिन कार्बन का एमिशन कम से कम हो। ग्रीन बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ग्रीन बिल्डिंग्स का टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अपने आप में पूरा एक टॉपिक है ये। वो बिल्डिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर एमिशंस वगैरह बहुत कम होते हैं और हीट लॉस भी कम होता है और हीट वो अब्जॉर्ब भी कम करती हैं। एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल हो, ऐसे फार्मिंग के मेथड्स हो जो एमिशन कम से कम करें, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनेबलर्स क्या कुछ करना होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रीन फाइनेंसिंग पैसा लगाना पड़ेगा रेवोल्यूशन के तौर पर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है CCUS और कार्बन सिंक्स वगैरह, बेसिकली जहाँ से ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स जो कार्बन को कैप्चर कर सके आसानी से। फिर क्लाइमेट का अडेप्टेशन, इंडिया का एक कूलिंग प्लान भी है, बेसिकली अडेप्टेशन में कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्री को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ई व्हीकल्स हैं, ई व्हीकल्स हम क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को बदलते हुए जो चेंजेस आ रहे हैं कंट्री के अंदर उसके अकॉर्डिंगली। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें कोल को फेज़ आउट करना है जितना जल्दी हो सकता है, जो भी इनएफिशिएंट कोल प्लांट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। क्लाइमेट लॉ इनेक्ट करना पड़ेगा, लॉज हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के एक्ट के हैं, EPA 1986 टाइप के हैं, लेकिन क्लाइमेट को डायरेक्टली एड्रेस करने वाला कोई स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट चेंज का पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हम लोगों ने कोई टू द पॉइंट एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा लॉ नहीं बनाया है। तो हमें कमीशन बनाना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पर, जिससे हमें क्वासी जुडिशियल पावर देनी पड़ेगी। अब क्वासी जुडिशियल पावर का मतलब होता है इनके पास जुडिशियल पावर होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, जैसे मेजरली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं आपके, है ना, NGT वगैरह टाइप के हो गए, तो इनके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है, ऐसे हमको कुछ कमीशन बनाने पड़ेंगे। एक सिस्टम ऑफ लायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट शॉर्ट अलग अलग लेवल्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अलग, मिड टर्म के लिए अलग, लॉन्ग टर्म के लिए अलग, और नेट जीरो का तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है।
डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ज़्यादा एमिशन किया था। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में जाके, US, चाइना, रशिया, जर्मनी, इन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशन किया हुआ है, सबसे ज़्यादा US ने किया है। तो उन कंट्रीज़ के पास आज की डेट में पैसा भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम बहुत किया था। तो उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में। किस चीज़ की कैपेसिटी? टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। नेट नेगेटिव एमिशंस होना चाहिए डेवलप्ड नेशन से, सिंस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। तो जितना जल्दी हो सकता है वो अगर अपने एमिशंस कम करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैसे सपोर्ट मिल जाएगा। अब ये कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ये अपने आप में सारे अपने फुल ऑन कंप्लीट एक टॉपिक हैं। NAPCC, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो कि फेम वाला था ना, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और BS6 के नॉर्म, ये सब अपने आप में डिटेल टॉपिक्स सभी कवर हो चुके हैं विजन की मैगजीन में। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सारे स्कीम्स वगैरह के नाम भी हैं। ये छोटा सा ही इतना स्क्रीनशॉट अपने PDF से देख लेना आप जहाँ पर भी हो। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं क्लाइमेट चेंज के, तो मल्टीपल आंसर में यूज़ कर सकते हो आप ये एनवायरनमेंट के। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप में क्या होता है ना, जनरली आप जब देखोगे कि एक कंट्री ने एम कितना किया था कि मतलब इतना एमिशन होगा, और उसने एक्चुअल में एमिशन कितना किया या फिर कितना लग रहा था कि इतना एमिशन होगा, तो उसमें प्रोडक्शन का एक गैप आ जाता है। तो उसी को लेकर के एक रिपोर्ट है, ये UNEP की रिपोर्ट है। इसमें गवर्नमेंट ने कितना प्लान्ड प्रोडक्शन किया था फॉसिल फ्यूल्स का, और कहाँ कहाँ ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल्स रहे थे, उस गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप देखोगे तो ये जो कंट्रीज़ थे इन्होंने प्लान किया था अपने प्रोजेक्शन, ये रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन इम्प्लाई किए गए थे क्लाइमेट प्लेज के द्वारा वो यहाँ है। प्रोडक्शन कंसिस्टेंस कितने रहे, 2 डिग्री सेल्सियस के साथ, 1.5 के साथ, इसके बीच में इस पूरे गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एम यही होता है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को हमें रिड्यूस करना है ताकि हम लोग अपना एमिशन कम कर सकें। तो वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स, उन्होंने प्लान किया है कि वो अराउंड 110% ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कंसिस्टेंस रहेगा हमारे लिमिटिंग वार्मिंग को लेकर, स्पेशली 1.5 डिग्री सेल्सियस को लेकर। तो G20 कंट्रीज़ जो, अच्छा G20 कंट्रीज़ में याद रखना 19 प्लस यूरोपियन यूनियन आता है, तो 20 की 20 कंट्रीज़ नहीं, एक्चुअल में से 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ आती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अपने आप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो G20 कंट्रीज़ ने भी कहा है कि वो अराउंड 300 बिलियन का आसपास फंड यूज़ करेंगे वो फॉसिल फ्यूल की एक्टिविटीज़ वगैरह को लिए, ताकि ये जो COVID-19 के पैंडेमिक के पहले की बात थी, और वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। अब इसके अलावा इसमें कुछ खास था नहीं, आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए एक तो कि ये प्रोडक्शन गैप क्या चीज़ होती है, और UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। इस टॉपिक में इतना ही था कि रिकमेंडेशन, आप देखो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जनरली ना इन टॉपिक्स में वही सब चीज़ें होती हैं, एमिशन कम करना है, क्लाइमेट एक्शन प्लान पे काम करना है, फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा ओवर एक्सप्लोर करना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, ये रिपीटेड पॉइंट्स हैं सारे। तो जनरली हम लोग नॉर्मल एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसमें क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ ही कवर हो जाते हैं। दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, और ये पंचअमृत वाले 5 जो हम लोगों ने टारगेट सेट किए हैं, ये बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट का 5.3, राइट टू बर्न द फॉसिल फ्यूल्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था ना, इसमें आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो मैंने इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यानी कि जिनके मन एक जैसे हैं, जो एक तरीके से सोच रहे हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग है, ध्यान देना, तो एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उन्होंने एक सिमिलर स्टैंड लिया यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट नेगोशिएशंस में। उन्होंने डिमांड किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंश्योर करें नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2030, और कुछ कार्बन स्पेस प्रोवाइड किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर सकें, जैसे कोल हो गया, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इस 3 लाइन से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि ये राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स क्या है। इंडिया को क्यों ज़रूरत है कि इंडिया के पास राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स होना चाहिए? हमारा ग्लोबल एमिशंस में शेयर बहुत कम है, है ना। अगर आप बात करते हो USA की, तो 17.6 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा है उनका, इंडिया का देखो कितना कम है, ऑलमोस्ट 1/10 है, 1.96 टन्स। जब इंडिया का शेयर ही कम है तो इंडिया के पास एक राइट होना चाहिए ना इस चीज़ को, और उन लोगों को नेट ज़ीरो पे जाना चाहिए। फिर हमें फुलफिलमेंट करना है इंडिया के डेवलपमेंट इम्पेरेटिव। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी को लेकर और बेसिक नीड्स में, मान लो हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, वाटर सैनिटाइजेशन हो गया, इन चीज़ों को हमें फुलफिल करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें डेवलपमेंट पर काम करना है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, ना जाने कितनी चीज़ें करनी है।
फिर टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल एडवांसमेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस भी है कि वो अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज़ लाइक इंडिया और बाकी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके पास ना इतनी टेक्नोलॉजी है ना इतने फाइनेंसेज हैं कि वो इतना जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करें। सो दे नीड सम टाइम टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। पर इस तरह का राइट प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम क्या आएगी? देखो प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज ना सबको इम्पैक्ट कर रहा है, ये अर्थ के ऊपर है, ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ हमको चाहिए ही यही कि हम अर्जेंटली हर कोई मिलकर मिटिगेट करें। मिटिगेट करने का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। फिर कॉल ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, है ना। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है, हमने बात की थी कि इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट कॉल रिजर्व भी हैं। तो ऐसा कुछ सोचना कि यार कॉल के बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोडक्शन करते रहें, ग्रोथ करते रहें, ज़्यादा कुछ रिलायबल से चीज़ है नहीं इतनी। फिर हमारे हाई फ्यूचर एमिशन्स, जनरली इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है फ्यूचर एमिशन्स में वो कंसिडरेबली ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमने एक्सपेक्ट ये किया हुआ है कुछ प्रोजेक्शंस में, रिसेंटली अभी कुछ न्यूज़ भी आ रहे थे कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली बढ़ नहीं रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। बट उसका डेटा का प्रॉपर आने में थोड़ा समय और चाहिए हमको, 2025 तक हमें और आइडिया लग जाएगा हमारी पॉपुलेशन कहाँ स्टैंड करती है, और फिर हमारा अभी जो सेंसस होगा उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में हमारे एमिशन इंक्रीज़ होंगे, कम नहीं होंगे। फिर ये बहुत इनजस्टिस हो जाएगा, नॉट एट द लेवल ऑफ नेशन स्टेट्स अलोन। डेवलपिंग कंट्रीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप्स हैं, हम लोगों ने इकॉनमी वाले टॉपिक में इनइक्वालिटीज़ की बात भी की थी ना, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए हमें बहुत सारा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर भी कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, इस पर भी काम करना पड़ेगा। अभी जो ग्रीन ट्रांजिशन है ना, ये इंक्लूजन और ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकता है। हमने माना ये है कि ठीक है आप फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ कीजिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर आप ग्रीन ट्रांजिशन भी करोगे ना तो बहुत सारे ना छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल नेशंस हैं, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, बट वो जनरली यूरोपियन मिलेंगी या फिर आपको स्मॉल एशियन कंट्रीज़ मिल जाएंगी। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमारी डाइवर्सिटी किसी भी देश में इतनी डाइवर्सिटी नहीं जितनी इंडिया में है। किसी कंट्री में कोई ऐसी नहीं जो इतने सारे रिलीजन्स को होल्ड करती है, इतने सारे कास्ट वगैरह को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी, हमें वैरायटी बहुत है, उसको एक साथ लेके चल पाने में बहुत प्रॉब्लम है। बट वो कह रहे हैं कि ग्रीन ट्रांजिशन से भी आप ग्रोथ पर काम कर सकते हो, जैसे कि जो सोलर रूफटॉप का है ना, उसके साथ क्लीन एनर्जी का यूज़ हो सकता है। हम लोगों ने जो ये मीटरिंग वाला काम भी किया था, तो इन चीज़ों को हम लोग अगर और एक्सेस तरीके से, एक्सेसिव मैनर में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी किया जा सकता है। तो हमको ज़रूरत नहीं है राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स की। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के डिस्कशन पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि इनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सके और जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसे रिड्यूस करना है। साउथ साउथ कोलैबोरेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, साउथ साउथ नेशंस का आपस में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में एक संबंध बनना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, संगठन होना चाहिए, कैसे वो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने एमिशंस को कम भी कर सके और अपने डेवलपमेंट के ऊपर भी लगातार काम करते रहें। तो इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक। एनवायरनमेंट सेक्शन का फोर्थ टॉपिक है अमेंडमेंट्स इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थे, उन्होंने एक लेटर दिया था और एक कंसल्टेशन पेपर, उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। अभी ये हुए नहीं है, ये प्रपोज किए गए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, FCA 1980 में। तो क्या है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? अब नाम से क्लियर हो जाएगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर जाती है फॉरेस्ट की डेफिनेशंस, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में डेफिनेशंस को लेकर भी क्वेश्चंस बनते हैं। 2021 में भी स्टेट की डेफिनेशन को लेकर एक क्वेश्चन आया भी था। तो इस एक्ट की एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं या फिर कोई दूसरी अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई जुरिस्डिक्शन के लिए प्रोहिबिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उस एक फॉरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे अगर किसी फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना है या फिर उसका लैंड को यूज़ करना है किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, ट्रीज़ वगैरह क्लियर करने हैं, है ना, इन छोटे मोटे कामों के लिए, ये छोटे मोटे काम तो नहीं है खैर, बट गवर्नमेंट के लिए चीज़ें छोटी होती हैं, तो इन सब के लिए उनको गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टेट अपनी चॉइस से या फिर कोई और अथॉरिटी अपनी चॉइस से नहीं कर सकता, परमिशन के बाद दे कैन डू इट। उनके पास पावर भी होती है टू मेक रूल्स। तो जो एक्ट है ना, ये एम्पावरमेंट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। नॉन फॉरेस्ट के क्या क्या पर्पज़ हो सकते हैं उसकी इन्होंने डेफिनेशन दी थी। तो एक चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है, नॉन फॉरेस्ट के अंदर वो वर्क नहीं होता विच इज़ रिलेटिंग और एंसिलरी टू द कंजर्वेशन। अब यहाँ पे एंसिलरी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इन एडिशन टू समथिंग एल्स, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करना है लैंड, कल्टीवेशन ऑफ टी वगैरह, कॉफ़ी, स्पाइसेस वगैरह के लिए किसी और पर्पज़ के लिए अदर देन रिफॉरेस्टेशन।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ क्या कुछ हो सकते हैं। एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात की गई, उसमें कहा है मे कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कर सकते हैं, अभी श्योर नहीं है, मैंडेट नहीं है। पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई एक्ट के जो प्रोविजन्स होंगे उनको फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ पनिशेबल चीज़ें होंगी 15 डेज तक की, और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होंगे उनको भी पनिशमेंट मिल सकता है अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो। अपील करने के लिए अपना NGT है ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, NGT के ऊपर शायद क्वेश्चन बन जाए, प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि 10 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, तो मे बी कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर बना दिए जाएँ। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, TN गोदावरम केस में तो 1996 तक जो भी अथॉरिटीज़ होती है ना, यानी कि जो भी जिनके पास पावर होती है कुछ डिसीजंस लेने की, वो अप्लाई करते थे प्रोविजन इस एक्ट के। तो TN गोदावरम केस हुआ था, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई थी फॉरेस्ट को लेकर। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि कोई भी ऐसा एरिया उसको रिकॉर्ड किया गया है एज फॉरेस्ट, किसी भी गवर्नमेंट में, यूनियन हो चाहे स्टेट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी ओनरशिप क्या है, उसका रिकॉग्निशन किसके अंडर है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो सारे एरियाज रिकॉर्ड किए गए थे, मतलब जनरली वो जो, अब इसमें ऐसा सारे का मतलब नहीं कि आपके प्राइवेट, आपका पर्सनल घर वाला भी, तो जो भी एरियाज जो कन्फर्म होते हैं डिक्शनरी मीनिंग जो होता है ना फॉरेस्ट का, ये भी ध्यान रखना, ऐसी चीज़ों से ना ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में। डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट का मीनिंग होता है ना, उसके साथ जो भी कन्फर्म करते हैं, यानी कि उसके साथ जो मेल खाएंगे, वो सब के सब डिफाइन हो जाएंगे अंडर फॉरेस्ट। कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया एज फॉरेस्ट बाय एन एक्सपर्ट कमेटी भी, तो कुछ विशेषज्ञ होंगे, उनकी कमेटी बनाई जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ही था 1996 के ऑर्डर के बाद में। तो इतना बेसिक सा ध्यान रखिएगा आप, इसमें सेकंड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आएंगे वो फॉरेस्ट होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना फॉरेस्ट का जो डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है ना, उसके अंडर सारा का सारा डिमार्केशन वगैरह या फिर जो रिकॉग्निशन होगा वो होगा। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ क्लॉजेस कह सकते हो, कुछ प्रोविजंस हैं इस एक्ट के ऑलरेडी, उनमें प्रपोजल क्या डाला गया है चेंज करने का। जब ये चेंज हो जाएगा तो इसके बारे में डेफिनेट सी बात है क्वेश्चन बनेगा मेंस में आने वाले सालों में, 2021 में तो खैर शायद लगता नहीं बनेगा, 22 या 23 में बन सकता है, बट हमें पता होना चाहिए। अगर आप 2022 के लिए 30 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वी मस्ट बी अवेयर कि क्या कुछ चल रहा है अभी। एक्ट के स्कोप में प्रेजेंटली आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना, बहुत सब्जेक्टिव आर्बिट्रेरी है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन ओन टेस्ट एंड ओपिनियन, आपके हमारे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, और आर्बिट्रेरी के अंदर क्या होता है, उसमें कोई लॉजिक या रीजनिंग नहीं होती है। तो उसको चेंज करके उसको ऑब्जेक्टिव मैनर में बनाना है। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें फैक्ट्स कंसिडर करने हैं। दो वर्ड्स के मीनिंग बहुत ध्यान से क्लियर कर लेना, पहले किसी भी फॉरेस्ट के लैंड को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव तरीके से किया जाता था, है ना, यानी कि कुछ वेजिटेटिव पर्पज़ हो गया तो उनको लगेगा नहीं ये तो यहाँ पर वेजिटेशन हो रही है, पर इसको हम अपनी मर्जी से आइडेंटिफाई कर देंगे। अब वो कहने की ऑब्जेक्टिव मैनर, यानी कि प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए उस डेफिनेशन के साथ मैच करते हुए। फिर लैंड के एक्विजिशन के ऊपर भी था जो 1980 से पहले के थे, तो जो अनयूज्ड लैंड थे जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, उस पर कुछ वेजिटेशन वगैरह थी, ये पहले एक्वायर कर लिए थे मिनिस्ट्रीज़ ने, है ना, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, डिफेंस वगैरह ने, तो बिफोर 1980 हुई, क्योंकि इनको कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, कुछ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना था, और इनको प्रोटेक्शन दी गई थी इस एक्ट के अंडर। अब इस तरह के लैंड्स को एग्जेम्पशन मिल गया है, स्पेशली जो 1980 से पहले के जो एक्वायर थे ना, डेट ये वाले, अब आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्वायर्ड बिफोर 1980, अब उनको एग्जेम्पशन मिल गया है, ठीक है। डेट के चक्कर में क्यों याद नहीं रखना, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसी की नहीं होती कि वो इतना डेप्थ में जाके डेट वगैरह याद रखेगा, और इतना ना टाइम भी नहीं होगा आपके पास, तो क्वेश्चन आएगा ना फटाफट फटाफट ये चीज़ें लिख कर रखो, इतना ही टाइम मिलेगा, इतना स्पेस मिलेगा। लैंड रिकॉर्ड्स जो है ना फॉरेस्ट के, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे, तो बहुत सारी एंट्रीज ऐसी थी जो कॉन्ट्रास्ट करती थी आपस में। कॉन्ट्रास्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी यिंग यांग होता है ना, एक चाइनीज़ होता है यिंग यांग, उसमें एक साइड पूरी की पूरी ब्लैक होती है, एक साइड पूरी की पूरी वाइट रहती है, तो क्या है वो कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं दूसरे को। तो ऐसी कुछ एंट्रीज़ पाई गई थी जहाँ पर वो कॉन्ट्रास्ट कर रही थी। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होंगे ना, वो सब स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे के सारे ऑक्यूपायर कौन है और लैंड का नेचर वगैरह के, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना है, आसान भाषा में ये कहा जा रहा है। ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लैंड्स आइडेंटिफाई किए गए थे एज प्लांटेशन वगैरह, यानी कि जैसे कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह जहाँ उगाया जाता है, एफॉरेस्टेशन वगैरह जो थे, ये आफ्टर 1996, ये इस एक्ट के परव्यू के बाहर रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है हमको। पर मुझे लगता नहीं इतना डेप्थ में पूछेंगे, बट स्टिल वी नीड टू कंसिडर। हालांकि जब ये एकदम प्रॉपर अमेंडमेंट के बाद आ जाएगा ना, अभी सिर्फ समझ लीजिए ऐसी ऐसी चीज़ों पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको जब ऑफिसर आप बनेंगे ना, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रेलवेज़ के अलॉन्ग साइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो स्ट्रिप प्लांटेशन जो है उनको डेवलप किया गया है, उनको नोटिफाई किया गया था एज फॉरेस्ट, जिसके कारण जो कंस्ट्रक्शन के अप्रूवल वगैरह मिलते थे, अब एग्जेम्पशन दे दिया गया है। इस तरह का कोई भी जो एरिया होगा ना अलॉन्ग साइड रोड्स एंड रेलवेज़ का,
तो उसमें 0.05 हेक्टेयर तक का एग्जेम्पशन दे दिया गया है। इसके बाद है प्रिस्टीन लैंड का कंजर्वेशन। प्रिस्टीन लैंड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेश और जो और बहुत क्लीन है, लाइक एकदम नया सा है। तो पहले सिर्फ रेगुलेशन था, कोई प्रोहिबिशन नहीं था इस एक्ट के अंदर कि उनका कोई नॉन फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि कुछ प्रिस्टीन फॉरेस्ट होंगे उनको इकोलॉजिकल वैल्यूज़ के तरीके से इंटैक्ट रखा जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए, छेड़खानी नहीं की जाएगी। पहले सिर्फ रेगुलेशन था, प्रोहिबिशन नहीं था, अब उन्होंने कर दिया ये प्रोहिबिशन। इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वगैरह करना हो तो उसके लिए पहले था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो अब क्या हो गया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि उनके पास परमिट है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है ना, अगर आप उसमें से कुछ नोट्स बनाना चाहो तो बेशक कर लेना, अननेसेसरी इधर उधर की चीज़ें में रीड कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। बट याद, एक एक चीज़ के नोट्स मत बनाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी की पूरी मैगजीन को कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं, समझ लो, वो ज़्यादा बेटर है। माइनिंग कंपनीज़ को लेकर भी कुछ प्रोविजन थे, उनका मिसयूज़ हो रहा था। तो फॉरेस्ट का जो लैंड था ना, उसको पहले दो प्रोविजन के अंडर डाइवर्ट किया जाता था। एक तो था कि आपको यूज़ करना फॉरेस्ट के लैंड को किसी नॉन फॉरेस्टी पर्पज़ के लिए, तो आप क्या करते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कर देते थे, यानी कि उसकी जो उस समय की जो कीमत थी। दूसरा था कुछ असाइनमेंट होते थे लीज़ के, जिसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता था प्रपोजल वगैरह का, पेमेंट वगैरह का, तो उनको जो भी वो कंपनसेशन वाले एफॉरेस्टेशन होता था ना, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वगैरह, वो एडिशन में दिया रहता था टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का था ना विद इन एडिशन टू एनपीवी, इसको डिलीट कर दिया है इस वाले पार्ट को। तो कुछ चीज़ें अपडेट की हैं छोटी 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 छोटी, अब देखो कितने सारे चेंजेस हैं, बट हमें एक बार तो इसके गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सटेडिशन हो गया तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सटेडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, और आपको और सैम्पल्स देखने हैं उसका लिंक भी, उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर। आगे है न्यू ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज़। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, जो बेसिकली ड्रिलिंग वगैरह के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए काम की जाती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, उनको भी अब इस एक्ट के परिव्यू से बाहर करने के लिए सजेशन दिया गया है। प्राइवेट लैंड जो कवर होता था अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके लिए फिलहाल की जो डेफिनेशन थी फॉरेस्ट की, वो अपडेटेड थी अंडर TN गोदावरम केस की। अब इन्होंने क्या किया है कि जो ऑनर्स होते हैं ना इस तरह के लैंड के, जो प्राइवेट लैंड वाले जो होते हैं, उनको अलाउ कर दिया कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी रेजिडेंशियल यूनिट होता है वहाँ पर भी, जो एरिया होगा ना वो 250 स्क्वेयर मीटर तक का होना चाहिए। तो वन टाइम रिलैक्सेशन उनको दे दिया गया एक बारी के लिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए जो था, उसमें पहले था कि जो एक्टिविटीज़ थी जैसे जू हो गया, सफारी, फॉरेस्ट ट्रेनिंग वगैरह, ये इनको एक्सक्लूड नहीं किया था नॉन फॉरेस्टी पर्पज़ से, अब इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि नॉन फॉरेस्टी एक्टिविटीज़ से इनको हटा दिया गया है। इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी लेवीज़। लेवीज़ यानी कि जनरली जो जैसे टैक्स होता है, टैक्स लेवीज़ ही होते हैं ना, ऑफिशियली आप डिमांड करते हो मनी वगैरह की, तो जो कंपनसेटरी लेवीज़ हैं ये इम्पोज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट एज वेल एज़ रिन्यूअल। जब भी कोई ये फॉरेस्ट एरिया वाला असाइनमेंट किया जाता है, उसको रिन्यू किया जाता है, लैंड का लीज़ वगैरह। लीज़ मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो लैंड होती है ना, उसको आप कुछ सालों के लिए, कोई 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, लैंड को आप लीज़ पर ले लेते हो कि इतने सालों के लिए इसको मैं ऑपरेट करूँगा, उसके लिए आप पैसे देते हो, उसके ऊपर आप जो भी होता है अपना पूरी फंक्शनिंग करते हो प्रॉपर उस पर। तो पहले ही डबल लेवल था, असाइनमेंट के टाइम पर भी और रिन्यूअल के टाइम पर भी, दोनों टाइम पे वो पैसा लिया जाता था। अब उन्होंने इस डबल लेवल को हटा दिया है, सिंगल टाइम के लिए कर दिया है। पीनल प्रोविजंस हैं, यानी कि जो सफिशिएंट नहीं थे, पीनल प्रोविजन मतलब कि पनिशमेंट क्या दे सकते हो, अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगा। तो पहले जो भी प्रोविजंस थे ना, वो सफिशिएंट नहीं थे, जिसके कारण क्या होता था, ये लोग इसके एक्ट को वॉयलेट करते रहते थे, ये प्रोविजंस रोक नहीं पाते, डेटर मतलब होता है रोकना। अब उन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बना दिया गया है, नॉन बेलेबल भी हो गए। कॉग्निजेबल मतलब आप ऐसे किसी, इस तरह के एक्ट के अंडर आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो कोई भी जो अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की, वो इन्वॉल्व होती है कंपनसेशन में, वो डिपॉजिट करेगी नेशनल कैंपा के अंदर, रादर देन स्टेट कैंपा में, ये भी ध्यान रखना है हमको।
जो भी कोई अथॉरिटी वगैरह होगी वो इन्वॉल्व होगी, वो कंपेंसेशन को डिपॉजिट करेगी नेशनल कैंपा में। कैंपा क्या होता है? ये कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट होता है प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है ये कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो दो लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, ये ध्यान रखना है ये लाइन। ऑलराइट, ऐसी चीज़ों से ना प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के ऑप्शन बन जाते हैं, ये सिर्फ आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर के फॉलो करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा हाँ इन चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों लेवल पर भी होते हैं, और अब जो डिपोजिशन होगा वो नेशनल लेवल पर जाएगा, स्टेट पर नहीं जाएगा। अब आपने एक एक्ट में अमेंडमेंट्स किए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेंगी, सिंस ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कनेक्टेड है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें, तो वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट लैंड की जो रीडिफाइनिंग की है ना, उसके अंदर जो डेफिनेशन में चेंजेस किए गए थे, उसके कारण हो सकता है कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ का एक्सक्लूजन हो जाए और उनका फिर डिग्रेडेशन भी हो जाए, ये एक प्रॉब्लम है। इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो हमारा FRA जो 2006 है उसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ट्राइबल वगैरह वाले लोग होते हैं, ST वगैरह टाइप के जो होते हैं, जो लोग उस एरिया में रहते हैं, उनके अपने खुद राइट्स होते हैं फॉरेस्ट को लेकर के, उस पर कुछ इम्पैक्ट जाएगा। जो लीगल राइट्स होते हैं हमारे ST के या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं OTFDs होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एग्जेम्पशन दिया गया था प्लांटेशन के लिए, तो प्लांटेशन यानी कि टी कॉफ़ी वगैरह का जो ग्रोइंग वगैरह होगी उस चीज़ को लेकर, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट तो जाएगा, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो उसका ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं अगर ये FRA से क्लैश करेंगे कुछ प्रोविजंस, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ वे आउट करेगी। बायोडाइवर्सिटी थ्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप रोडवेज और रेल लाइंस वगैरह जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के कारण बढ़ जाते हैं, जंगल में से आप जंगल काटते हो, क्यों काटते हो, सड़क निकालनी होती है, रेलवे लाइन निकालनी होती है, कोई ब्रिज वगैरह बनाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह निकालने होते हैं, तो वो एक तरीके के परमानेंट बैरियर बन जाते हैं। स्पेशली जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है, एनिमल्स के ना अपने कॉरिडोर्स होते हैं, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं, कॉरिडोर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रास्ता होता है जहाँ से वो एलिफेंट अक्सर गुजरा करते हैं, तो वहाँ के हैबिटेट वगैरह का नुकसान हो सकता है ना, वाइल्ड एनिमल्स का फ्री मूवमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। अर्बोरियल मैमल्स होते हैं वो ट्री कैनोपी से मूव करते हैं, ये क्या है ना, अर्बोरियल मैमल यानी कि जो बंदर वगैरह होते हैं, चिंपांजी होते हैं ना, अर्बोरियल मतलब ऊपर पेड़ों के ऊपर रहते हैं, हवा में एक दूसरे पेड़ के ऊपर चलते रहते हैं, और मैमल्स तो ये होते ही हैं। तो ट्री की जो कैनपीज़ वगैरह होती है ना, सिंस आप इन पर रेलवे लाइन वगैरह बिछाओगे, रोड्स वगैरह होंगे, तो इनको प्रॉब्लम होगी। देखो भाई पूरा जंगल है ये बना हुआ एकदम से ना, बीच में से अगर रोड निकल जाएगी तो रोड के इधर के जो पेड़ होते हैं, इधर के पेड़ होते हैं, इनमें गैप हो जाता है, ये गैप में ना इनको जंप करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा होगा, आप लोगों ने देखा होगा सफारीज वगैरह में लोग अक्सर जंगल के बीच में जो सड़क होती है उसमें रुक रुक के फोटोग्राफी करते हैं, तो देखते हैं जानवर वगैरह क्रॉस कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है लेकिन जानवरों के लिए वो एक डिस्टर्बेंस होती है। इको टूरिज्म बढ़ेगा तो प्रेशर तो क्रिएट होगा ही। प्लांटेशन की नेचर के बारे में पता नहीं है, है ना, हो सकता है कि कार्बन सिंक को इंक्रीज़ कर दे, तो जैसे कुछ मोनोकल्चर प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, मोनोकल्चर मतलब एक टाइप की प्लांटेशन होगी, कॉफ़ी है तो सिर्फ कॉफ़ी 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 उगी जा रही है, तो इकोलॉजी के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, बैलेंस क्रिएट जो हमने किया हुआ ऑलरेडी या फिर जो हम कोशिश कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर सकती है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज़ स्पेशली जो फॉरेस्ट राइट के अकॉर्डिंग होती हैं, उनके साथ कंसल्टेशन नहीं हुई है, सलाह सहमति नहीं हो पाई, उसमें कमी है अभी भी। राइट ऑफ स्टेट्स, सिंस ये जो लैंड रिवेन्यू है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, 7 शेड्यूल की जो लिस्ट होती है ना उसमें स्टेट सब्जेक्ट में आता है लैंड रिवेन्यू। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर एक्ट बना रही है, उसमें चेंजेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के ऊपर भी दोबारा से एक मतलब आप कह सकते हो इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हो, ये भी चीज़ है। कंक्लूजन की बात करें तो इस एक्ट में हम जो भी बदलाव कर रहे हैं उसका वो तभी करेगा जब दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बहुत ही क्लोज और लॉन्ग टर्म का जब इंट्रैक्शन होता है ना, तो फॉरेस्ट में स्टेक होल्डर और बायोडाइवर्सिटी तीनों का जब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा ना, तब ये सारे चेंजेस अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, कीवर्ड के लिए ना मैंने अराउंड 400 के आसपास के कीवर्ड की एक लिस्ट भी प्रोवाइड की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, इसी डिस्क्रिप्शन में यू कैन चेक दैट आउट, और उसका डेमो भी दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। ये कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 5.5 है, ड्राफ्ट है नेशनल वाटर पॉलिसी का। देखिए ड्राफ्ट पर ना मेंस में क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैगजीन में भी कवर किया गया है, वैसे कुछ डेटा भी यहाँ से मिलेगा, बट ड्राफ्ट के ऊपर भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। 3 बार पहले नेशनल वाटर पॉलिसी आ चुकी है 87, 2002, 2012 में। अभी एक एक्सपर्ट है मिहिर शाह चेयरपर्सन है और 13 नवंबर की कमेटी है, ये नंबर वगैरह पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। 2030 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में जो भी वाटर क्राइसिस हो रहा है उसे सॉल्व करने के लिए। ज़रूरत क्यों हमें एक वाटर पॉलिसी की स्पेसिफिकली नई की? देखिए इंडिया
ग्राउंड वाटर बहुत एक्सटेंड करता है। ज्योग्राफी में ना ये सब ध्यान रखना आप। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था इस बार भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वाटर को लेकर ना ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था कि कितना वाटर किसमें का मिलता है ऐसा कुछ। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड में। अगर मेरी जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें ना, तो वो 2050 तक फॉल करने वाली 37%। ये अच्छा डेटा है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, वैसे आपको समझ भी होनी चाहिए इस चीज़ की। और अगर हम बात करें हमारा जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम वगैरह चल रहा है ग्राउंड वाटर को लेकर, वो बहुत ख़तरे में है अभी, है ना। कुछ रिवर्स के नाम है यहाँ पर, गोमती, चंबल, केन वगैरह, इनमें जो ग्राउंड वाटर का फ्लो है ना पोस्ट मानसून पीरियड, ये ड्राई अप हुआ है, यानी कि कम हो गया है, और कुछ जगह ख़त्म हो चुका है, कुछ जगह बहुत कम हो गया है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण बहुत सारे जो इन्फॉर्मल सोर्सिंग ऑफ जो सोर्सेज होती है ना वाटर की, जैसे कि पानी के टैंकर वगैरह हो गए, आर्टिफिशियल जो कैनाल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये बढ़ गए हैं, है ना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो कीमत बहुत लगती है, बिस्लरी की बॉटल आती है, आप लोग देखा होगा सिटीज़ के अंदर NCR में जो घरों के अंदर पानी का बॉटल आता है वो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ की बॉटल आती है, बॉटल आती है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके कारण वाटर का नुकसान भी बहुत होता है, वेस्टेज भी बहुत होता है, लीकेज वगैरह बहुत होती है। तो भारत के अंदर वैसे तो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन ये जो नेचुरल ड्रेनेज होता है ना जो ऑलरेडी हमारा होता है, इसके कारण क्या होता है, एक सेफ एग्जिट मिल जाता है फ्लड वाटर को, है ना। अब पॉइंट ये ध्यान रखना, प्राइम रीज़न जो है ना फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड फ्लैश फ्लड्स का, वो यही होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। वॉश, इसकी फुल ये अपने आप में एक टॉपिक है, पूरा का पूरा वॉश ये आ चुका है, हम लोगों ने कवर किया है एक मैगजीन में पहले, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, हाइजीन इसकी फुल फॉर्म होती है। सिर्फ 47% ही अर्बन यानी कि शहर में जो हाउस होल्ड होते हैं ना उनके पास अपने इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन हैं, सबके पास है, 50% भी नहीं है। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना सीवेज वगैरह को ट्रीट करने की, वो सिर्फ 37% है, और उसमें से सिर्फ 30% ही, 37 में से सिर्फ 30% ऐसा है जो ट्रीट किया जा रहा है, एक्चुअल में ट्रीट हो रहा है वाटर। रिफॉर्म करना है वाटर की गवर्नेंस को, पहले क्या था कमांड एंड कंट्रोल की जो अप्रोच है ना उससे हमें हटना है अब, क्योंकि इस तरह की अप्रोच में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारी होती हैं, पॉलिसीज़ जो नीतियाँ होती हैं ना ये बहुत तरह की फ्रेम की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमें करना क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि वन शू फिट्स ऑल वाली जो टेक्निक है ना ये हर जगह काम नहीं करती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर आपको पानी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ होती है जहाँ पर आपको पानी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। डूइंग अवे विद हाइड्रो स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया वैसे ना एक टर्म होता है जनरली बायोलॉजी या फिर जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वैसा है तो आपको पता होगा स्किजोफ्रेनिया के बारे में। अगर इसका साइकोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मेंटल डिसऑर्डर होता है, आप रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, है ना, आप रियलिटी को बहुत एबनॉर्मली इंटरप्रेट करते हो। तो हाइड्रो वाटर की जो रियलिटी है ना उसको भी हम बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हमें लगता है कि पानी तो बहुत है, है ना, पूरा समंदर पानी का भरा हुआ है, और वो इवेपोरेशन होता रहता तो बारिश तो हो ही जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होते तो रिवर्स तो बन ही जाएंगी, है ना, ग्राउंड वाटर से पानी तो निकल ही जाएगा, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा, हमें इससे भी दूर हटना पड़ेगा। और गवर्नेंस में, पॉलिसीज़ में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा खासकर, है ना, यहाँ गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें क्या कुछ रिकमेंडेशंस की बात की गई है, उन्होंने कहा कि डिमांड मैनेजमेंट पर जाना पड़ेगा हमें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, समय की डिमांड क्या है, क्रॉप को डाइवर्सीफाई करो। जनरली जो राइस और वीट होते हैं ना बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, शुगर केन वगैरह हो गया, तो इंडिया के अंदर इरिगेशन 80-90% जो होता है ना, इंडिया का वाटर जो होता है वो इरिगेशन चला जाता है, क्यों, क्योंकि क्रॉप ही इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आया था 2021 में, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना कि कौन सी जो क्रॉप होती है वाटर एफिशिएंट होती है, ऐसा कुछ था एक उसमें, आई थिंक शुगर केन, एक रेड ग्राम, ऐसे ऑप्शंस भी कुछ थे। तो देखो इन चीज़ों को पढ़ने से कितना आइडिया लग जाता है आपको, वो कहना चाह रहा है राइस वीट वाली जो क्रॉप्स होती है ना ये लिमिटेड होती हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ, यानी कि पल्सेस लेके आओ, ऑयल सीड्स लेके आओ, है ना, फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज करो ताकि वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करें। देखो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए ना फार्मर्स के पास पैसा और रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती है, तो इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे हमें उनको, इंसेंटिव देंगे तो थोड़े से एनकरेज फील करेंगे। रिड्यूस करना है, रिसाइकिल करना है, फिर रीयूज़ करना है। तो ये प्रपोज़ किया गया था अर्बन वाटर सप्लाई वगैरह के लिए, ये तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए R3 वाला, तो ये आप बना ही लोगे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ वाला, ऐसे डायग्राम्स बन जाते हैं जो इस तरह के कीवर्ड्स इसलिए बहुत काम आ जाते हैं। तो जो भी नॉन पोर्टेबल यूज़ होते हैं, नॉन पोर्टेबल मतलब होता है जो नॉन ड्रिंकिंग वाले होते हैं,
है ना, जैसे किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, बाथरूम्स वगैरह हो गए, फायर प्रोटेक्शन वगैरह के होते हैं, इन सब में जो पानी में यूज़ करना चाहिए ना, वो में जो वेस्ट वाटर जो ट्रीट होकर आता है ना, आई थिंक उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। जनरली जो आपके किचन वगैरह से जो पानी निकलता है ना, वो ग्रे वाटर होता है, उसको ट्रीट करके और उस पानी को यहाँ यूज़ करना है, गाड़ी को साफ़ करना है मान लो, है ना, गाड़ी वगैरह क्लीनिंग करनी है, और इवन कपड़े धोने के लिए भी ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। घर के अंदर सफाई वगैरह करनी होती है, बालकनी वगैरह धोनी होती है कभी कभी काम, तो उसमें वेस्ट वाटर जो ट्रीट हो जाता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा क्लियर वाटर चाहिए होगा, अदरवाइज बीमार हो जाएंगे, इसलिए इसने कहा नॉन पोर्टेबल यूज़ वाले। तो ये तो डिमांड साइड की बात हो गई थी, है ना। अब बात करें सप्लाई साइड मैनेजमेंट की, हमें सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। कीवर्ड को पकड़ो, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, सुपरवाइज कोई करे, कंट्रोल करे और डेटा एक्वायर करे, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो कितना पानी कहाँ जा रहा है, किस डैम्स के अंदर, हमारे पास करोड़ों लाखों के अंदर ट्रिलियंस में वाटर होता है लेकिन किसानों तक पहुँच नहीं पाता, है ना, तो क्योंकि किसानों के पास वो सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज़, उनके पास जो पहले के प्रोविजंस हैं, पुराने वाले जो ट्रेडिशन तरीके हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो रिस्क नहीं ले सकते, चेंज करने को आतुर नहीं है वो। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो हमारे ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जनरली जो किसान वगैरह होते हैं, इनकी ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, वो किस तरीके से वाटर को सेव कर सकते हैं, क्योंकि उनको खेत के बारे में सब पता होता है। साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें रहते नहीं है इतना इतना किसान वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों के पास ना नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बहुत होते हैं हमारे इकोसिस्टम को सेट करने के लिए। तो पानी कहाँ कहाँ होता है, वेटलैंड्स में होता है, मीडोज़ में होता है, और उसके लिए बायो रेमेडिएशन वगैरह, अर्बन पार्क्स क्रिएट करना, परमिएबल पेवमेंट्स वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों में हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड्स में जंप करना पड़ेगा। सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट हो ग्राउंड वाटर का। सस्टेनेबल वर्ड ध्यान रखना, ब्रंटलैंड कमीशन 1987 से आया था। इक्विटेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर का, यानी कि उसको उतना दो जिसको जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो इक्विटेबल मैनेजमेंट इससे मैच करता है। इक्विटेबल का मतलब मैंने इसी वीडियो में ऊपर भी बताया था एक टॉपिक में, मुझे वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, आई थिंक इकोनॉमी वाले में था, कि इक्विटेबल मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना दिया जाए, यानी कि सबको बराबर बांट दिया जाए। अब किसी की ज़रूरत थी 50 लीटर की, आपने उसको सिर्फ 20 लीटर दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत थी 100, जिसको ज़रूरत थी 100 की, उसको भी 20 ही मिला, तो इक्विटी नहीं है यहाँ पे। प्रायर और प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए रिवर प्रोटेक्शन में और उसको रिवाइटलाइज करने के लिए। रिवर्स प्राइमरी सोर्स होते हैं, रिवर्स के कारण आसपास का पूरा इरिगेशन वगैरह बहुत ईजी हो जाता है। देखोगे आप लोग रिवर के आसपास के जो खेत होते हैं ना, बहुत अच्छे से लहलहाते हैं, क्योंकि उन पर रेगुलर पानी की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड वाटर से अपने आप मॉइस्चर बहुत मेंटेन होता है, इवन एयर में बहुत अच्छा मॉइस्चर होता है। तो हमें रिवर्स वगैरह का रिजुवनेशन करना पड़ेगा, उनको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा। आपने इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आर्ट ऑफ लिविंग का, आर्ट ऑफ लिविंग का एक ऑफिशियल डेटा है, उसको मिनिस्ट्री जो जल शक्ति है उन्होंने भी उसको रिकॉग्नाइज किया था, इन्होंने आई थिंक 40+ रिवर्स को रिवाइटलाइज किया है विद डेटा प्रूफ सब चीज़ के साथ। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इस तरह के एनजीओज, और भी बहुत सारी एनजीओज होती हैं, एक एनजीओ और है पे जल पे कुछ करके नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने भी छोटे छोटे जो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं उनको बहुत रिवाइटलाइज किया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस हो सकता है राइट ऑफ द रिवर्स एक्ट। आप लोगों ने देखा हो ना, गंगा और यमुना को भी ह्यूमन, उनको ह्यूमन राइट्स दे दिए गए थे, याद होगा आप लोगों को, और चंडीगढ़ में जो सुखना लेक है इसको भी आई थिंक दिया गया था ना ह्यूमन राइट, लिविंग राइट कुछ दिया गया था। तो इनका रिवर्स का भी एक एक्ट, एक राइट हो इस एक्ट के, इसी पॉलिसी के अंडर है, कि वो उनको एक राइट है फ्लो करने का, उनको एक राइट है टू मीएंडर। मीएंडर का मतलब होता है ये जो नदियों के जो मोड होते हैं ना, ये कर्व वगैरह होते हैं नदियों के, जो भी होते हैं बेंड्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, इनको मीएंडरिंग बोलते हैं समुद्र तक जाने के लिए। तो उनका एक राइट है, हमें उनको रिवाइटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पॉइंट था ये। फिर थर्ड आता है डिमांड साइड की बात की, सप्लाई साइड की बात की, अब देखते हैं वाटर क्वालिटी को लेकर। एक टास्क फोर्स का सजेशन दिया गया है, जो जो भी वाटर के कंटेमिनेंट्स होते हैं ना, जो पोल्यूट करते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो हमें ज़रूरत है हमारी पॉलिसी के अंदर, हमारी नीति के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, इसकी वैल्यू भी कम हो, पैसा कम से कम लगे, एनर्जी उसमें कम से कम वेस्ट हो, इको सेंसिटिव हो, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, वो हम यूज़ करें अपने सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। एक और बात ध्यान रखना, बहुत जगह आप लोगों का जो घर में पानी होता है ना, उसका टीडीएस होता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। अगर आपके घर में कभी कोई आरओ लगाने वाला है, सर्विस लगाने वाला है ना, उनसे पूछना, उनके पास एक टीडीएस मीटर होता है छोटा सा, नहीं हो तो आप बाज़ार से खरीद भी सकते हो, बहुत सस्ता आता है, 100-150 रुपये का ऐसे आता है। अपने पानी का ना टीडीएस चेक करना, यानी कि उसमें टोटल डिजॉल्व सॉल्ट कितना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरा रिसर्च के बाद बोला है कि जिस जगह पर पानी के अंदर लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर का टीडीएस होता है ना, 500 से कम का,
वहाँ पर आर ओ यूनिट्स को डिस्करेज किया जाए। आर ओ के अंदर ना पानी का वेस्टेज बहुत होता है, अगर आप देखोगे आई थिंक ऐसा कुछ होता है कि 1.5 लीटर आर ओ में पानी जब कंज्यूम करता है उसमें से आधा ही निकलता है उसका तकरीबन, यानी कि 600 या फिर 700 मिलीलीटर के आसपास ही ड्रिंकेबल वाटर निकलता है, बाकी सारा वेस्ट चला जाता है। तो आपको पता होगा ना आर ओ में एक आउटलेट होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आर ओ में ना पानी का वेस्टेज बहुत होता है, तो इस टेक्नोलॉजी को जितना हो सके डिस्करेज किया जाए। रिफॉर्मिंग गवर्नेंस ऑफ वाटर, जो नेशनल वाटर कमीशन है हमारा, उसके लिए कुछ सजेशन है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मल्टी स्टेक होल्डर होना चाहिए। तो मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब क्या, आप किसानों को ऐड करो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐड करो, पंचायत्स को ऐड करो, अर्बन सिटीज़ को ऐड करो, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को ऐड करो, और ये जो वाटर कमीशन वाले होते हैं इनको भी ऐड करो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऐड करो, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करो, रिसर्च वालों को ऐड करो, हर एक मल्टी स्टेक होल्डर करो, हर तरह के लोग होने चाहिए ताकि सब अपनी अपनी सजेशन दे सके। इंडिजिनस नॉलेज, वही पुरानी जो हमारे ट्रेडिशनल लोग किसान वगैरह होते हैं, इनके पास बहुत ही अच्छी इनवैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल रिसोर्स होता है, इसको मैं पूरे तरीके से लेवरेज यानी कि फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का, नॉलेज का, ये हमारी अपनी नॉलेज है हमारी कंट्री की। इस पूरी की पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क फोर्स होनी चाहिए, बहुत ही डेडिकेटेड हो, है ना, और 10 ईयर का एक्शन प्लान बनाया जाए इस ग्रुप के लिए, जो पूरे के पूरे काम को कोऑर्डिनेट करे, उसको ओवरसी करे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करे, असेसमेंट करे, पूरी पॉलिसी का प्रोग्रेस भी ध्यान रखे, फिर इसका टाइमली पीरियोडिक चेक रहे, फीडबैक रहे। ये चीज़ें सजेस्ट की गई हैं ड्राफ्ट ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी में। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन एनवायरनमेंट इज़ वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वो चीज़ जो काम की ही नहीं है, वेस्ट हो चुकी है, उसको यूजिंग सर्कुलर इकोनॉमी और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से हम लोग वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, धन में, ताकि समृद्धि आए। गांधी जयंती पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इसी चीज़ के लिए। बाकी ये स्वच्छ भारत का जो उन्नत भारत अभियान है ना, ये उसका पार्ट है, और इस पोर्टल की हेल्प से हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह को, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स को, अर्बन लोकल बॉडीज को, सबको एक साथ लेके आएंगे। एम क्या है, ज़ीरो वेस्ट नेशन वाला, हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर ज़ीरो वेस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि हर जगह साफ़ सफाई रहे, और चीज़ों का जो ये सर्कुलर इकॉनमी, मतलब समझते होंगे ना, एक पॉइंट है ए, ए से गए हम बी पर, बी से गए हम सी पर, सी से डी पर, और फिर ई पर, बेसिकली स्टार्टिंग में हमको वापस आ जाना है। तो इस तरीके, अरे यार कितना फालतू डायग्राम बनाया मैंने, जनरली सर्कुलर इकॉनमी के अंदर आप उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाते हैं, चीज़ों को रीयूज़ रिसाइकिल करते रहते हैं, सो द सर्कल कीप्स गोइंग ऑन। तो इकॉनमी इस तरीके से क्रिएट की जाती है, तो वेस्ट को आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप उसे रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें इस तरीके से। सॉलिड वेस्ट और उसके मैनेजमेंट को लेकर भारत के अंदर एक एक्ट है बहुत मेजर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, पहले पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत उसके कुछ प्रोविजन दोबारा से पढ़ लेंगे। पहले ये देखते हैं जनरल कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ पर, देखो सॉलिड वेस्ट की बात की जा रही है, वेस्ट में ना ध्यान रखना, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, अलग अलग तरीके से होते हैं, ये वेट वेस्ट भी होता है, तो इसके मीनिंग तो यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, अब ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो पॉइंट लिखो आपको समझ में आ जाएगा। कोई सेमी सॉलिड सैनिटरी वेस्ट होता है, कमर्शियल वेस्ट होता है, नॉन रेजिडेंशियल से केटरिंग वगैरह में आता है, शादी वगैरह में आप देखते हो, प्रोग्राम फंक्शन में, सिल्ट वगैरह जो रिमूव होता है सरफेस ड्रेन से, है ना, डेयरी का कोई वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है, ये सब की डेफिनेशन इस एक्ट के अंडर गिवन है मीनिंग में। जनरेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ से निकलेगा, हाउस होल्ड से, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, होटल्स। वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल को, उसके बाद रेजिडुअल वेस्ट अलग हो जाता है। ये ना नए रूल्स आए हैं अभी, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर वेस्ट सेग्रीगेशन पर। फिर ट्रीटमेंट होता है इनका, डिस्पोजल होता है, रीयूसोर्स रिसोर्स रिकवरी इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है, लैंडफिल और रिवर्स में भी जाता है कुछ, इंसिनरेशन यानी कि हाई प्रेशर के अंडर से बर्न भी किया जाता है। कंसर्न क्या है, तो ये एक इनएविटेबल बायो प्रोडक्ट है, इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच, जिसका होना आप रोक नहीं सकते, है ना, दैट कांट बी अवॉइडेड। तो एक बायो प्रोडक्ट है ये अपने आप में सॉलिड वेस्ट, किसी न किसी कारण से निकलेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, लेकिन इसमें से मोस्टली जो है ना नेचुरली रिसाइकिल हो जाता है, मोस्टली की बात की जा रही है, बट कंसर्न जब हो जाता है जब ये रिसाइकिलिंग जो होती है ना उससे ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा होता है। तो इसको कॉन्सेप्ट को सर्कुलर इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको चाहिए होती है हार्मनी, किस चीज़ में कितनी क्वांटिटी जनरेट हो रहा है, कितना कलेक्ट हो रहा है, कितना ट्रीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हार्मनी बिटवीन क्वांटिटी ऑफ जनरेशन कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, QCT। यहाँ पर आपको डायग्राम बना करके इस पॉइंट को लिख सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोग आप देखोगे जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज होती है ना, वो इस तरह के पॉइंट्स के डायग्राम्स कन्वर्ट कर देते हैं, उससे 3-4 लाइन का स्पेस कवर हो जाता है, एंड इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। भारत में कितना वेस्ट जनरेट होता है, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट की बात की जा रही है, तो एनुअली पूरे साल में 62 मिलियन टन जनरेट होता है,
और इसमें से 5.6 मिलियन प्लास्टिक होता है, 7.9 हजार्डियस होता है, 1.5 ई वेस्ट होता है, 0.17 बायोमेडिकल होता है। अब ये आपकी चॉइस है, आप ये एक एक का इंडिविजुअल याद रख सकते हो नहीं, बाकी ये तो कम से कम याद रखना 62 मिलियन टन्स एनुअल वेस्ट होता ही होता है। ट्रिक पता है क्या होती है, आप ये याद रख लो एक, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का क्वेश्चन आए, हजार्डियस का क्वेश्चन आए, ई वेस्ट का क्वेश्चन आए, बायोमेडिकल का क्वेश्चन आए, आप ये लिख देना और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख देना, मान लो आपका क्वेश्चन ई वेस्ट पर था कि इंडिया में टोटल 62 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है, आउट ऑफ दैट अब ह्यूज पोर्शन गोज इन टू ई वेस्ट, बस। तो ये कीवर्ड की वैल्यू बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि आप 1.5 और 0.17 पर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको उस तरीका बताया है कि आप ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेज ट्विस्ट करके। मैनेज कैसे करते हैं, 70% वेस्ट हमारा कलेक्ट हो जाता है, 20% रिसाइकिल होता है ना, और मोस्टली जो होता है या तो डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में या फिर किसी वाटर बॉडीज़ में या किसी ओपन एरियाज़ में। 5 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये 10 मिलियन टन से ऊपर का वेस्ट जनरेट करती हैं। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो दिल्ली में गाजीपुर वाला एरिया आप लोगों ने देखा ही होगा जो NCR के हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं मुंबई के तो देवनार एरिया होगा। ये जो 2016 वाले रूल्स थे ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट अगेन आ गया तो पढ़ लेते हैं। इसमें 4 शेड्यूल्स बनाए गए हैं ताकि किस तरीके से इन रूल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, और म्यूनसिपल को सॉलिड वेस्ट से रिमूव कर दिया गया है, बेसिकली वो कवर करेगा एरिया बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले में प्लास्टिक, ई वेस्ट, बायोमेडिकल, हजार्डियस, कंस्ट्रक्शन, डीमोलिशन वेस्ट वगैरह नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अपने आप के सेपरेट रूल्स हैं। ई वेस्ट के अलग रूल हैं, बायोमेडिकल के अलग रूल, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली मैगजीन्स के अंदर, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये बायोमेडिकल का तो काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड के कारण बहुत बढ़ गया था, आई थिंक पिछली में तो था, सेप्टेम्बर की में था शायद, या फिर उससे पहले अगस्त में था। तो इस एक्ट के कुछ मेजर प्रोविजन हैं, ये वेस्ट के जनरेटर को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जनरेट किसने किया, प्रोड्यूस कौन करने वाला था, हर एक हाउस होल्ड के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह कौन थे। ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कुछ कुछ जगह पर, फिक्स किया जाता है। सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। रिवाइज्ड पैरामीटर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मैंने सिर्फ जो इतना लाइन किया यही आप याद रख लीजिए। जैसे फिक्सिंग ड्यूटीज़ वगैरह का जो काम होता है, ये महुआ जो हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री होती है, इन्होंने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, है ना। सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सेंट्रल लेवल के ऊपर, तो कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बनाएगा। पैरामीटर्स वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं लैंडफिल के अंदर, कितना कितना मीटर कहाँ कहाँ जाना चाहिए, रिवर से 200 मीटर दूर होना चाहिए, है ना, पॉन्ड है तो 200 मीटर दूर होना चाहिए, और हाईवे वगैरह 200 मीटर दूर बनना चाहिए लैंडफिल वगैरह, ये कुछ पैरामीटर एंड स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। मैन्युफैक्चरर को एक पाउच प्रोवाइड करना पड़ेगा रैपर की तरीके से, जहाँ पर जनरली जो सैनिटरी वेस्ट होते हैं ना, डाइपर्स और सैनिटरी पैड्स, उनके लिए, ताकि उनको डिस्पोज करना आसान हो। वेस्ट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए कुछ प्लांट सेटअप किए गए हैं, और उनको इंसिनरेशन होना है, सीमेंट एंड पावर प्लांट्स में उनको यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ इस रूल में मेंशन किया हुआ है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। 2016 के इस रूल के बारे में नहीं पूछेंगे, बट आप इन पॉइंट्स को आइडिया रखें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो कैसे जो वेस्ट है वो प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए, अगर हम उससे एनर्जी क्रिएट कर लेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, अगर हम इसको वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसे है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं, एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, तो अगर हम उसको तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे तो हम उसको गैस बेस्ड एनर्जी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अपने आप में एक पोटेंशियल फ्यूल की तरह काम करता है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट खासकर। तो हम वेस्ट का गैसिफिकेशन कर सकते हैं, पैलेटाइजेशन हो सकता है। पैलेटाइजेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर देते हो और उसकी मोल्डिंग कर देते हो, तो छोटे छोटे ना कंप्रेस करके बॉल टाइप के बन जाते हैं। जैसे फर्टिलाइजर में क्या होता है, यूरिया में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी वाइट वाइट, ऐसा सा होता है यूरिया। तो अगर कभी गलती से कोई खाना ले उसको ऐसा करके, वो इतना सिमिलर होती है, बिल्कुल सेम होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बॉल्स और फर्टिलाइजर जो यूरिया होता है। तो उसको क्या किया जाता है, पैलेटाइज किया जाता है, उसको कंप्रेस करके और उसकी मोल्डिंग की जाती है। तो हम सॉलिड के वेस्ट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन का वेस्ट को भी हम जैसे रीप्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से हम लोग उसको रीप्रोसेस कर सकते हैं ताकि इसको कॉस्ट एफिशिएंट बना सकें। फर्दर इसको हम कूलिंग और इरिगेशन पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। कुछ मटेरियल को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो यहीं पर सर्कुलर इकोनॉमी का पाथ क्रिएट होता है, ताकि हम लोगों को, अगर कहने को ये कि एनुअली हम लोगों को 40 लाख करोड़ का बेनिफिट होगा, विच इज़ 2050 तक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 624 बिलियन तक पहुँच सकता है हमारा ये। एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज ऑफ वैल्यू, कीमत जिसके अंदर है, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो
जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रेशियस मेटल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप ई वेस्ट की बात करो ना, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है और कोई हार्डवेयर, इनमें ना बहुत सारे ऐसे मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बहुत तरीके से अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करें ना, तो हमारी ई वेस्ट इंडस्ट्री जो है, इसमें अपने आप में एनुअली हम लोग $3 बिलियन के आसपास तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी कीमत होती है इसकी, वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है, अगर आपकी इच्छा हो किसी की। तो क्या चैलेंजेस हैं फिर, अगर हमको पता है कि इतना कुछ कर सकते हैं तो हमको रुकावटें कहाँ पर आ रही हैं? हमारे पास जब रूल्स भी है, हमें पता भी है कि इसकी इतनी वैल्यू हो सकती है, तो रुकावटें कहाँ पर हैं? पहली बात, को वेस्ट को जनरेट करने के सोर्सेज, स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, है ना। डेली लाइफ से निकल रहा है, बहुत सारे अप्लाइंसेज से, पैकेजिंग से, फूड स्क्रैप से, न्यूज़पेपर से, तो सोर्सेज इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, कहीं स्कूल से, रेजिडेंशियल से, हॉस्पिटल से, उसको सेग्रीगेशन में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसको प्रोसेस करना अपने आप में चैलेंज है। टॉक्सिक वेस्ट भी होते हैं कुछ जगह पर, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके कारण हेल्थ के ऊपर, जो उसे सेग्रीगेट करेगा, अगर वो मैन्युअली किया जा रहा है तो वो हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज, जिनका एक्चुअल में काम होता है इसको कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना, प्रोसेस वगैरह करना, उनके लिए उनके पास क्षमता नहीं होती, उनके पास डिवाइसेज, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास नॉलेज नहीं होती इतनी, तो वो इस चीज़ को टैप नहीं कर पा रहे अपने पोटेंशियल को पूरा पूरा। उनके लिए बहुत कीमती हो जाता है और ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब सोच के देखो ना, आपके पास अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले आते हैं सिटी में आपका वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, कि आप उनको सेपरेट करके देते हो, चार जो बॉक्सेज होते हैं उसमें नहीं देते ना, आप इकट्ठा एक ब्लैक कलर की जो डस्टबिन बैग होते हैं उसमें दे देते हो। अब उनके लिए हर घर से ऐसा आता है, हर दिन आता है, तो उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है उन लोगों के लिए। प्राइवेट पीपीपी, पब्लिक को भी लगाओ, यानी कि गवर्नमेंट को, प्राइवेट को भी लगाओ, और दोनों का पार्टिसिपेशन होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, है ना, चैलेंजेस कम हो जाएंगे। लोगों को एजुकेट किया जाए, बिहेवियरल इशू उनमें इंट्रोड्यूस किया जाए। दिल्ली में आई थिंक वो होता है ना, एक गाड़ी जो आती है वो उसकी तरफ से आती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है या फिर किसकी तरफ से, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं, वो कोई म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे वो ऐसे स्लैंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे बिहेवियर चेंज होते हैं, क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये चैलेंजेस हैं हमारे, अब हम इन चैलेंजेस को चेंज कैसे कर सकते हैं, वही चैलेंजेस से ही आपका आगे का वे फॉरवर्ड निकल के आएगा, हमेशा ध्यान रखना, इन्हीं पॉइंट्स को इम्प्रूव करके आप लिख सकते हो। अगर आपको चैलेंजेस आते हैं तो आपको वे फॉरवर्ड में कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं, इक्के दुके एग्जाम्पल याद कर लो, वे फॉरवर्ड आप चैलेंजेस से बना सकते हो, ये ध्यान रखना। हमें बेस बिल्डअप करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि अपने घर पर ही वो पहले, जैसे जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह में, घरों के बाहर जो बॉक्सेस होते हैं, डस्टबिन वगैरह, जहाँ से वो कूड़े वाले लेके जाते हैं, आप अपने घर के बाहर ही उसका सेग्रीगेशन कर दो। लेकिन उनकी गाड़ी वगैरह जो आती है ना, उसमें सेक्शंस होते हैं, लेकिन जब उनको मिलता ही सब मिक्स में, तो बेचारे कहाँ डालेंगे, तो हम अपने घर में ही अगर कर देंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा, और हम लोग सोसाइटी को बहुत क्लीन कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए, पता है, जो आप लोग इसको सुन रहे हो ना वीडियो को, ये ट्राई करो, ये ना आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, आपको लाइफ में आगे जाके बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको यही सब करवाना है लोगों से, तो पहले खुद के अंदर इम्बाइब हो जाएगा ना, तो आप बहुत आसानी से इसको आगे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर पाओगे। वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़, पॉलिसीज़, कैंपेन्स, ये तो मिलेगा ही। कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पर हम की प्रोसेसिंग करेंगे, उसको वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना, वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, ताकि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हम ध्यान में रख के आगे फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि पूरे की प्रोसेसिंग करनी है तो ऐसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग। लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी, सिटीजन्स में, खासकर सिटीजन्स जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी ऑपरेटर्स हैं वेस्ट के, और कंज्यूमर्स जो होते हैं इस प्रोसेस मटेरियल के, ये मेजर लोग होते हैं, तो सिटीजन्स ही उसको जनरेट करते हैं और उसका प्रोसेस मटेरियल को सिटीजन से कंज्यूम भी करते हैं, तो ये हमारा मेन सोर्स बन जाते हैं। अगर हम सिटीजन्स का बिहेवियर चेंज कर देंगे तो पहली बात तो वेस्ट का जनरेशन भी कम हो जाएगा, और जनरेशन कम हो जाएगा फिर सेग्रीगेशन में हेल्प कर देंगे, तो गवर्नमेंट के लिए या फिर जो लोग बिजनेस वाले होते हैं, स्टार्टअप वाले ऐसे जो इसको प्रोसेस करते हैं, वेल्थ में क्रिएट करते हैं, उनके लिए काम भी आसान हो जाएगा। तो सिटीजन्स आर द मेन की पॉइंट हियर, दैट इज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक है 5.9, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, कार्बन सिंक्स अंडर प्रेशर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो आपने सुना ही होगा, अब हम बात करेंगे उसी से मिलता जुलता है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट का। तो पहले ही देख लेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बेसिकली कोई कल्चरल, नेचुरल या फिर कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की होती हैं, जो कंट्रीज़ में जनरेशंस के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनेस्को एनकरेज करता है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है ना, ये 110 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ओवरऑल एरिया इनका 350 मिलियन हेक्टेयर है, जो आपको याद नहीं रखना है,
बट ये याद रखना है कि ये अर्थ के ऑल जो लैंड सरफेस है ना उसका ऑलमोस्ट 1% पे इतनी साइट्स हैं, और अगर हम ओशंस की बात करें तो 0.6% हम लोगों ने उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया हुआ है अंडर यूनेस्को। इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी होती हैं उनकी, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत हेल्प करती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है, और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्रूशियल होती हैं। अब हम देखते हैं अपना ये टॉपिक। एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है रिसेंटली, तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, यूनेस्को, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और अपना IUCN। IUCN तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हम लोग एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ की रैंकिंग वगैरह करते हैं ना, स्टेटस एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उस तरीके से, तो IUCN का नाम वहाँ बहुत आता है। तो पहली बार हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे साइंटिफिक असेसमेंट किया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस होते हैं और जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है फॉरेस्ट के द्वारा, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को ही, यानी कि जो कंज्यूम कर ले, अब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हम लोगों ने एक डेटा प्रिपेयर किया है कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और फॉरेस्ट वगैरह कितना सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, इसमें 69 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर किया गया है, और कुछ 13 बिलियन टन का जो कार्बन होता है वेजिटेशन में, सॉइल में, ये होल्ड करता है। मोस्टली जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट है ना, ये ट्रॉपिकल साइट्स में अवेलेबल है। अब ट्रॉपिकल साइट आपको पता होनी चाहिए, अर्थ है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसके बियॉन्ड टेम्परेट रीजन और फिर पोलर रीजन्स होते हैं। रिपोर्ट में क्या पता चला है, पिछले 20 सालों के अंदर हम लोगों ने ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी स्पेसिफिकली, इन्होंने 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट का लॉस कर दिया गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है। दो बहुत ही वाइड स्प्रेड थ्रेट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे, पहले तो क्लाइमेट चेंज है सीवियर वेदर के कारण, क्योंकि कभी फॉरेस्ट फायर है, कभी फ्लड आती है, कभी ड्राउट है, एंड उसके बाद लैंड यूज़ प्रेशर्स भी हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम लोग लैंड का जो यूज़ पैटर्न है ना उसको चेंज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो दो एक मेजर थ्रेट्स निकल के आए हैं हमारे इन वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट के लिए। भारत के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये उन 5 साइट्स में से है जिसका हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक है। ब्लू कार्बन आई थिंक इस बार आया था ना प्रीलिम्स में 2021 में, ब्लू कार्बन आया था या फिर ब्लैक कार्बन, ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक कार्बन नहीं, आई थिंक आया था कुछ ब्लू से, एक क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट का। तो ब्लू कार्बन एक ऑर्गेनिक कार्बन ही होता है, ये जो डिकेइंग प्लांट लीव्स होते हैं ना वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, और ब्लू कार्बन का जो इकोसिस्टम होता है ना इसमें सी ग्रास भी इंक्लूडेड होती है, मीडोज़ हो गए, टाइडल मार्शेस, ये सब भी ब्लू कार्बन में इंक्लूडेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, ऐसे डेफिनेशन आ जाती हैं प्रीलिम्स में। तो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जहाँ पर हमारा इतना नुकसान हुआ है, फॉरेस्ट वगैरह का लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण, जिनको हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट अभी यूनेस्को वगैरह ने डिक्लेयर किया है पहली बार साइंटिफिक रिसर्च में, इसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो रिकमेंडेशन दी है इसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए। देखो क्लाइमेट को लेकर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, हमारा पूरा का पूरा लैंड मैनेजमेंट है, मरीन मैनेजमेंट है, इसमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसी में रैपिड रिस्पॉन्स यानी कि क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा हम लोगों को। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान्स हैं जो केनिया नेशनल पार्क वगैरह हो गए, नेचुरल फॉरेस्ट है केनिया में, इनके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर एक्चुअली, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप ये एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो। उनके तरीके से हमको ये क्लाइमेट चेंज के अडेप्टेशन प्लान्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव, अब कीवर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश करो, डिज़ास्टर को रिस्क को रिड्यूस करने वाले जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा। कैसे, कोस्टल प्रोटेक्शन करें, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लड जो होते हैं उसे किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए, जैसे अपना सुंदरबन हो गया, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली फ्लडिंग होती रहती है, उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो WHF वर्ल्ड के हेरिटेज फॉरेस्ट हैं इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म्स होंगे जो इंटैक्टनेस को और कनेक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट का लैंडस्केप होता है ना उसका फ्रेगमेंटेशन माने कि उसको टुकड़ों में अगर हम रखते हैं साइट्स में, तो वहाँ पर हम लोग कार्बन एमिशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं और हमारे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी डिस्टरप्ट हो जाती है। तो हमें उसका ध्यान रखना होगा कि उसका फ्रेगमेंटेशन ना हो। फिर इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हम बना सकते हैं, बफर जोन्स बना सकते हैं, तो जनरल पॉइंट है। एक जो भी प्रोटेक्शन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसे हम कंटिन्यू रखें जो हमारा चल रहा था, और उसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट के जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको भी हम अलाइन करें, और हमारा जो GBF वाला है 2020 के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि 2020 के बाद वाला, हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे ना स्टार्टिंग में इसी में एनवायरमेंट सेक्शन में, उन्हीं के अलाइन के साथ अलाइन करें। 2030 तक हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दोबारा याद कर देता हूँ, पहले 5 वाले थे। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ और वेलबींग,
चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी। पहले पांच याद रखो। तो इन सब के साथ अलाइन कर सकते हैं हम, ताकि अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करें। और अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपने वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, बट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये माइंड मैप्स चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सट्रेडिशन हो गया तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सट्रेडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है। और आपको और सैम्पल्स देखने हैं उसका लिंक भी, उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर। टॉपिक नंबर 5.10 टॉक्स अबाउट कोरल रीफ। नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग रिपीटर हो तो आपको पता भी होगा कोरल रीफ क्या होता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, 6th स्टेटस आया था इसका, कोरल ऑफ द वर्ल्ड, इसको रिलीज़ किया था GCRMA ने, यानी कि जो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि 14% जो कोरल रीफ है ना, ये ख़त्म हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर अंदर। कोरल क्या होते हैं और कोरल रीफ्स वगैरह क्या होते हैं, ये लार्ज अंडर वाटर के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। इसमें कुछ स्केलेटन होते हैं कॉलोनियल मरीन के, और इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरल। देखे हुए आप लोगों ने फोटो में, मुझे फोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए पूरे के पूरे को एक कलर से हाईलाइट किया था। कोरल का टॉपिक ही ऐसा इंपॉर्टेंट है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मिलेंगे आपको, है ना। मोस्टली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रखने की बात है, कहाँ कहाँ मिलते हैं कोरल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, कैरिबियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ऐसा नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पर मिलेंगे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में भी आता है आपके और एनवायरनमेंट में भी आता है। और जनरली ये आपको मिलेंगे फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, इन द प्लेस जहाँ पर वार्म करंट्स फ्लो करते हैं आउट ऑफ द ट्रॉपिक, जैसे फ्लोरिडा, सदर्न जापान। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन याद रखनी है यहाँ पे। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, गल्फ ऑफ कच, गुजरात वाला एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो केरला के साइड नीचे, तमिलनाडु वाला एरिया, अंडमान निकोबार आपको पता है, लक्षद्वीप आइलैंड आपको पता होंगे। कितने टाइप के कोरल्स होते हैं, जनरली 4 तरह के कोरल्स हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, ये कॉमनली जो हम लोग रीफ वगैरह देखते हैं ना, ये कोस्ट लाइन के पास आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बैरियर रीफ, बैरियर का मतलब समझ जाओ कि उतने ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं कि बैरियर की तरह काम करते हैं वो। एक मूवी भी थी उसमें एक ये कोरल का बैरियर रीफ एक शिप के थ्रू तोड़ा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक आई थिंक US नेवी की कोई मूवी है एक, उसमें एक कोरल के जो बैरियर रीफ होते हैं उनको ब्रेक करते हैं शिप की हेल्प से, कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से वो। फिर पैच रीफ होते हैं, ये जो फ्रिंजिंग और बैरियर होते हैं ना उनके बीच में आपको मिलेंगे, फ्रिंजिंग और बैरियर के बीच में आपको पैच वाले मिलेंगे। अटोल्स, जो अपना लक्षद्वीप आइलैंड हो गया ना, जैसे अटोल्स, ये वो वाले होते हैं, तो उसके आसपास ऐसे वो ग्रो करते रहते हैं, तो वो बीच में बन जाता है, बीच में पानी रह जाता है, तो वो पूरा एक आइलैंड टाइप का बन जाता है बाद में ड्राई वगैरह होकर के। ईजी है टॉपिक, इतना टफ नहीं है। तो ये कॉरल्स होते हैं, स्पीशीज़ जो होती हैं ये रीफ बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड कॉरल्स, और जो इंडिविजुअल कॉरल होता है ना उसको हम पॉलिप बोलते हैं। क्योंकि ये रीफ हार्ड कोरल क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है सी वाटर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है सी वाटर से, वो हार्ड जाता है। प्लस इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो, और ये इनका बहुत म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है जुएंथेल के साथ। सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था एक टॉपिक में, 2-3 टॉपिक पहले, तो जुएंथेल के साथ इनका बड़ा अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जुएंथेल ही इसको लाइवली कलर्स प्रोवाइड करता है, तो जो कोरल्स होती हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि जुएंथल उनको कलर प्रोवाइड करता है। तो अदरवाइज जो मोस्टली जो कोरल पॉलिप बॉडीज होती हैं क्लियर होती हैं और कलरलेस होती हैं विदाउट जुएंथल, तो जुएंथल आ जाएगा तो उसको कलर प्रोवाइड करेगा। 25% के आसपास जितना भी मरीन स्पीशीज़ हमको पता है वो सब रिलाई करती हैं फूड वगैरह के लिए कोरल के ऊपर, तो कभी कभी इनको रेफर करते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे, प्रीलिम्स में ऐसे टॉपिक्स आते हैं घुमा फिरा करके इन चीज़ों में से। तो GCRMA का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो उनका यही है, वर्ल्ड रिपोर्ट है उनकी कोरल रीफ को लेकर के, यहाँ बताते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं कोरल रीफ के। तो उन्होंने बताया कि ग्लोबल डेटा सेट के अंदर पिछले 40 सालों के अंदर, स्पेशली 1978 से 2019 तक, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी 73 रीफ बेयरिंग कंट्रीज़ की। फाइंडिंग क्या मिली है पता ये चला, अब ये उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, इसमें से एक दो पॉइंट आप उठा लीजिएगा। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके ऊपर, ठीक है, कॉरल्स के ऊपर पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और स्टेडली डिक्रीज़ भी कर रहा है जो हार्ड कोरल कवर है ना। तो वर्ल्ड ने अभी तक 9% के आसपास जो हार्ड कोरल कवर है वो लॉस कर दिया है,
ये जो 14% था ना, कहाँ गया, ज़्यादा पीछे चले गए क्या हम? हाँ, 14% के आसपास जो कोरल रीफ्स हैं उनका नुकसान हो गया है। हार्ड कोरल के अंदर अगर बात करोगे तो टोटल 9% का नुकसान हो चुका है। कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स भी हुए हैं, ठीक है, जैसे 1998 का एक मेजर इवेंट हुआ था, उसमें 8% वर्ल्ड का कोरल खत्म हो गया था। कोरल ब्लीचिंग के अंदर क्या होता है कि ना, वो पूरा का पूरा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है ना, उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो पूरे पूरे वाइट हो जाते हैं वो, एकदम डेड हो जाते हैं। तो 2010 के बाद ही जो अमाउंट था अल्गी का वाटर के कोरल रीफ में, वो इंक्रीज़ हो गया है 20% तक। सो ये दो चार पॉइंट याद रखिएगा आप, एक तो स्टार्टिंग के डेफिनेशन में कितना परसेंट कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। थ्रेट क्या क्या होता है? ओशन का एसिडिफिकेशन। अब आप ये ओशन एसिडिफिकेशन का तो एक मैंने माइंड मैप भी प्रोवाइड किया था आपको, जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको माइंड मैप्स का, मोर देन 600, उसमें था एक जगह पर ओशन एसिडिफिकेशन, तो मुझे वो याद आ गया। तो एसिडिफिकेशन यानी कि समंदर के पानी में जब एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, तो ओशियंस क्या करते हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ना एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ओशियन अपने आप में कार्बन सिंक की तरह काम करता है ना। तो कोरल जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को एज एन एक्सोस्केलेटन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, है ना। तो जब इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, तो कार्बन ये जो कोरल होते हैं ना, ये बहुत ही वीक स्केलेटन बनाते हैं, इसके कारण स्केलेटन मतलब इनका जो ढांचा होता है, अब ये वल्नरेबल हो गए, इनको खतरा हो जाता है ना, किसी भी तरह की डिजीज़ भी हो सकती है, तूफान आएगा पानी के अंदर तो वो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग स्ट्रेस के कारण होता है, वार्म ओशन वाटर इज़ द मेजर रीज़न, ये ध्यान रखना भाई, ये कोरल ब्लीचिंग का क्या रीज़न होता है, वार्म ओशन वाटर्स के कारण होता है। तो उनके अंदर जो एल्गी होता है ना, वो जब स्ट्रेस में आ रहता है तब होता है ये। फिर जब कोरल अपने एल्गी को लूज़ कर देता है, तो अपना फूड सोर्स को लूज़ कर देता है, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था अभी अभी। वाटर पोल्यूशन होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह पानी में जाएंगे, तो सिंस ये वाटर की चीज़ है तो पानी का नुकसान होगा, एंड ये तो सीवेज डिस्चार्ज भी जाता है पानी में, ये होता है। सी लेवल राइज होगा, तो सी लेवल राइज़ का क्या कारण होता है, प्लैनेट वार्म हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज़ कर रहा है। अब सी लेवल राइज़ करेगा तो क्या होगा, कोरल थोड़े से और डीप चले जाएंगे पानी के अंदर, अब डीप चले जाएंगे तो सनलाइट उनको कंपैरेटिवली कम मिलेगी, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। कोई बहुत ही तेज़ तूफान आएगा समंदर के अंदर, तो जनरली हरिकेन साइक्लोन वगैरह, तब भी ये कोरल कॉलोनीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अनसस्टेनेबल फिशिंग भी होती है, अब क्या होता है कि साइनाइड स्प्रे किया जाता है ना, तो फिशिंग वगैरह के लिए, उसके अलावा ये ट्रॉलर्स भी यूज़ किए जाते हैं, ये पानी के ट्रॉलर्स होते हैं ये। अच्छा, ट्रॉलर का ना अपने आप में एक टॉपिक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना, ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है फिशिंग को लेकर, मरीन का जो टॉपिक है पूरा, तो ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा ट्रॉलर वाला, ध्यान रखने के लिए, वैसे कभी आएगा तो हम पढ़ लेंगे, हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये। ब्लास्ट फिशिंग वगैरह, इन सब के कारण कोरल का भी नुकसान होता है, फिशिंग के चक्कर में कोरल की लाइफ कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। हम लोग कोरल माइनिंग भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन है, कोरल कलेक्शन वगैरह, फिशिंग के मेथड्स, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, मैनग्रोव का डिस्ट्रक्शन होगा, तो इनके हैबिटेट को भी नुकसान पहुंचता है। कोरल की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरल से ना हम लोगों को बहुत सारी, ये वेव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसके कारण हमारे कोस्टल का इरोजन बच जाता है, ये याद होनी चाहिए आपको। मेडिकल में बहुत सारे कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए हमको कुछ यहाँ से सब्सटेंसेस इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो एक डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट इसका मिलता है, स्पेशली वो लोग जो कोरल कोस्टल एरिया पे रहते हैं, तो $30 बिलियन के आसपास एक साल का, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। इकोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, मरीन के इकोसिस्टम को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था ना, कितना था वो, 25% के आसपास जो भी नॉन मरीन स्पीशीज़ है ना, वो रिलाई करती हैं कोरल रीफ पर अपने फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग के लिए, तो उनके लिए इकोसिस्टम सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये। दैट्स इट। एनवायरनमेंट में टॉपिक नंबर 5.11 इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहले भी आ चुका है, रिपीट करके पढ़ेंगे इसको। अभी क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इंडिया ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था यूएन जनरल असेंबली में कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए आईएसए को। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो ग्रांट कर सकती है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस नॉन मेंबर स्टेट्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और अदर एंटिटीज़ को भी। तो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है ये कन्फाइंड होता है स्टेट्स में और बाकी जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो क्या फ़ायदा होता है, जो वर्किंग्स होती है ना सेशंस वगैरह में, उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है जनरल असेंबली के। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप रेगुलर और वेल डिफाइंड कोऑपरेशन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अलायंसेस के साथ, तो आपको ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ में सपोर्ट मिलेगा। अब हमें देखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या चीज़ है। ये भारत के द्वारा और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में। ये एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में, अब ध्यान रखिएगा, गुड़गांव से पहले बोलते थे।
तो पेरिस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, तब इसे लॉन्च किया गया था। ISA में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? आई थिंक एक क्वेश्चन आया था ना ISA का प्रीलिम्स 2019 या 20 में आया था, विद रिस्पेक्ट टू जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनका कुछ क्वेश्चन था। 73% ग्लोबल पॉपुलेशन, 36% वर्ल्ड GDP, बहुत बड़ी अमाउंट है, 55% एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड और 23% सोलर कैपेसिटी का। 138 गीगावाट कंबाइंड सोलर पावर जनरेशन का पोटेंशियल है ISA का, इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगले 5 सालों का है ये। अब इसमें होता क्या है ना, हर एक जो मेंबर्स जो होता है कंट्री जो उसके ISA की पार्ट है, वो शेयर करता है, अपडेट करता है कि उनके क्या क्या सोलर एप्लीकेशंस हैं और कैसे वो ISA के अंडर बेनिफिट ले सकता है। टोटल 101 कंट्रीज़ हैं अक्टूबर 2021 तक, और ये बढ़ते रहेंगे आगे, है ना। एंड 80 कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है ये ISA का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर इंडिया में, ध्यान रहे इंपॉर्टेंस क्या है ये ज़रूरी हमारे लिए जानना। देखो यूनाइटेड नेशन का जो FCCC है ना, कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम होल्ड करना चाह रहे हैं, मिटिगेट करना है, अडॉप्ट करना है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत मेजर रोल होता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम देखें तो सोलर एनर्जी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, फ्री में है, खूब अवेलेबल है, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम लोग बंद करना चाहें तो सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, कल को जब स्विच करेंगे फुली 100% जब स्विच करेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर। जो मोनोपोली है ना ऑयल और गैस की, कि सारी एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑयल और गैस से होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर ही आप देखो तो इंडिया एक हब है सोलर एनर्जी का, क्योंकि हम कहाँ पर हैं, हम नियर द इक्वेटर हैं, और इक्वेटर के ऊपर सनलाइट कैसी होती है, डायरेक्ट सनरेज डायरेक्ट फॉल करती है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम कंट्रीज़ की, इवन जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की डिपेंडेंस है ना ऑयल एंड जो नेचुरल गैस होता है, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पॉपुलेशन, सिंस हम बात कर रहे थे कि इंडिया की लोकेशन इक्वेटर के पास में है, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, तो हमारे पास जो सोलर एनर्जी होगी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बात करो पोलर रीजन्स की, अर्थ के पोलर रीजन्स की, तो वहाँ पर सनलाइट स्लैंटिंग होती है सनरेज, तो वहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप देखोगे इवन जो बिल्कुल पोलर रीजन्स होते हैं ना वहाँ पर कभी कभी सूरज दिखता भी नहीं है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है वो ऑयल गैस से आती है, इसके कारण प्राइस वगैरह में डिफ्लेक्शंस होते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ऑयल बेंचमार्क को लेकर, ऑयल प्राइस के बेंचमार्क को। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होता कि ऑयल का जो प्राइस था वो नेगेटिव में चला गया था कोविड के टाइम पर, उसके कारण बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स गेम खेले जाते हैं कंट्रीज़ के द्वारा। इवन सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में लास्ट ईयर ही कुछ चल रहा था, तो प्राइस के कारण काफ़ी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जो ओपेक कंट्रीज़ होती है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड पेट्रोलियम वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, इन सब के बीच में रेडिकलाइजेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि जो बोको हराम के टेररिस्ट ग्रुप है ना नाइजीरिया के, कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है रशिया के नॉर्थ कॉकेसस रीजन में भी और जो कैस्पियन स्टेट्स वगैरह में हैं, ISIS है वेस्ट एशिया का, ये बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑयल मनी को यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो अगर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यूजिंग अंडर ISA, इसका यूटिलाइजेशन पूरा करेंगे, तो हम बहुत हद तक जो रेडिकलाइजेशन होता है ना इन सब ग्रुप्स वगैरह का, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ग्लोबल इक्विटी पे बात करेंगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि फिजी हो गया, साउथ सुदान वगैरह हो गया, इवन ये सब भी इसका पार्ट। अब ये फिजी और साउथ सुदान है जनरली काउंट नहीं होते हैं, है ना। तो जब इस तरीके से हम ग्लोबल इक्विटी की बात करें तो ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं वो बाकी सब एडवांस कंट्रीज़ के साथ पार्ट बन गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और वर्ल्ड को एक सेफर एंड क्लीन प्लेस बनाने के लिए। ISA के अंडर हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये है क्या, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे इसकी स्टार्टिंग होगी पहले एशिया से, फिर हम जाएंगे साउथ अफ्रीका की तरफ, फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्ट में। हम क्या करना चाह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ना अर्थ के ऊपर हम ग्रिड लगाना चाह रहे हैं, सोलर पैनल्स लगाना चाह रहे हैं और उन सबको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि देखो होता क्या है ना कि पूरे अर्थ के ऊपर एक टाइम में सनराइज एक साइड, मतलब एक साइड होती है सनलाइट, पीछे की साइड जो होता है ना वो डार्क होता है, तो यानी कि आधी साइड जो होती है वो लाइट होती है, अर्थ के ऊपर लाइट बता रहा हूँ मैं, और ये वाला जो साइड होता है वो डार्क होता है। तो इधर को जब सन रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना तो ग्रिड्स वगैरह के ऊपर जो पैनल्स होते हैं सोलर पैनल, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, हम उसको ग्रिड बना करके दूसरी साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब यहाँ अंधेरा होगा ना डार्क साइड में, तो इधर से जो रोशनी होगी ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी, अब इलेक्ट्रिसिटी की तो स्पीड बहुत तेज़ होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या था 3 लाख किलोमीटर के आसपास की थी ना, तो
इलेक्ट्रिसिटी जब लाइट वाली साइड से डार्क वाली साइड में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो कहने का अर्थ ये था कि कभी सूरज ढलेगा ही नहीं, मतलब फुल टाइम हमारे पास रोशनी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो एक ग्रिड के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को एक सन की तरह क्रिएट कर देंगे, पूरे अर्थ के ऊपर हर टाइम लाइट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। तो ISA ने फिर जो फिलेंथ्रोपीज़ होती हैं, ब्लूमबर्ग की फिलेंथ्रोपीज़ होती हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट भी किया था $1 ट्रिलियन के लिए। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है, फिल मतलब होता है लव, है ना। जैसे बिब्लियोफाइल एक वर्ड यूज़ होता है, बिब मतलब होता है बुक्स, और बिब्लियोफाइल मतलब जो बुक पढ़ना बहुत पसंद करता है ना। तो फिलेंथ्रोपी मतलब एंथ्रोपी वर्ड आपको पता होगा, ह्यूमन काइंड से कनेक्टेड होता है, जो ह्यूमन काइंड को बहुत ही वेलफेयर की तरह देखता है, चैरिटी करता है और उसको उसके वेलफेयर चैरिटी, हाँ यही ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपी, उनके साथ मिलकर ISA ने पार्टनरशिप की है कि सोलर एनर्जी के अंदर $1 ट्रिलियन का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिलकर अकेले नहीं करेंगे, अलग अलग जगह से फंडिंग कलेक्ट करके। फिर ग्लोबल एनर्जी का अलायंस भी है पीपल एंड प्लैनेट के लिए, इसमें $10 बिलियन के आसपास की कमिटेड कैपिटल है, इतना पैसा लगाया जाएगा ताकि ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन हो सके। एंड ISA का प्रोग्राम है स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज़ SSAU, यहाँ पर एनर्जी का एक्सेस ज़्यादा मिलेगा। एनर्जी के ना एक्सेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। सस्टेनेबल इरीगेशन सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, ये इंडिया में भी चल रहा होता है। ये जो सोलर पंप्स होते हैं इरीगेशन के लिए खेतों में, उसको सोलर से कनेक्ट किया जाए ताकि उसके कारण लोगों को डिपेंड ना किसानों को डिपेंड ना होना पड़े रात को बिजली आ रही है। कभी कभी ना किसानों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है विंटर्स में, खासकर रात को बिजली आती है तो उनको रात को जाना पड़ता है खेत में पानी देने के लिए। हालांकि पानी तो गर्म आता है क्योंकि वो ज़मीन से निकलता है, पानी की वो दिक्कत नहीं, पर रात का टाइम अंधेरा है, रोशनी नहीं होती है, है ना, वैसे भी कोई डर भी रहता है और ठीक भी नहीं है। तो सोलर की हेल्प से अगर सोलर वाटर पंप्स होंगे तो किसान डे टाइम में उस एनर्जी को यूज़ करके अपने खेतों को पानी दे सकता है। सपोर्टेड गवर्नमेंट्स कैसे अपनी एनर्जी के लेजिस्लेशन, कानून वगैरह कैसे बनाएंगी, नीतियाँ कैसे बनाएंगी जो सोलर फ्रेंडली हो, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग सोलर एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी निकल के आए। ISA बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा आपको आंसर राइटिंग में भी, और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट सेक्शन में 5.12 है अर्बन फायर रिस्क। ये एक्चुअली तो डिज़ास्टर का टॉपिक है। विजन की मैगजीन में क्या होता है ना, एक सेक्शन एनवायरनमेंट के अंदर तीन तरह के टॉपिक्स आते हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर वाले। तो अर्बन फायर रिस्क एक्चुअली डिज़ास्टर वाला टॉपिक है, बट डिज़ास्टर का भी एक इनडायरेक्ट कनेक्शन होता ही है एनवायरनमेंट के साथ। तो रिसेंटली मुंबई में एक बिल्डिंग में 60 फ्लोर की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फायर वगैरह लग गई थी, इसलिए अर्बन फायर का टॉपिक हमारे सामने आया है। तो अर्बन फायर जो है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ही बहुत प्राइमरली होते रहते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स में। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब था, 1716 से लेकर और 1830s तक था, ये कुछ 60-70 ईयर्स का टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तब से ही अर्बन फायर का एक इंसिडेंट रहा था। और अगर मैं NCRP का डेटा देखें 2020 का, तो अराउंड 9000 लोगों की डेथ हुई है 9000 इंसिडेंट्स में, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली 9110 याद रखना कभी कंपलसरी नहीं है, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो एज़ पर NCRP अराउंड 9000 पीपल डाइड इन अराउंड 9000 इंसिडेंट्स। लोगों की हेल्थ का बहुत नुकसान हो जाता है, क्यों, ड्यू टू एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का डेप्रिवेशन हो जाता है, तो टॉक्सिक गैस होती है वो आपके लंग्स में चली जाती है, उसके कारण डेथ हो जाती है। फिर कम्युनिटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है, तो ये सब नुकसान होता ही है। कॉज हमें देखना पड़ेगा, कुछ अर्बन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब ही होता है एक्सपोज टू थ्रेट। तो जिस तरह की प्लानिंग होती है बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, बट स्टिल पुअर अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सेटलमेंट्स में इनफॉर्मेलिटीज़ होती है, स्पेशली अगर आप देखो स्लम एरियाज़ के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और अर्बन डेंसिटी जो है ये बढ़ रही है आपस में। तो जो यूनिट्स होते हैं ना, ड्वेलिंग यूनिट्स, यानी कि ड्वेल मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, वो उनमें कंजेशन बहुत ज़्यादा है ना, वायरिंग वगैरह का देखो आप, या फिर आप देखो कि उनकी इवन जो बिल्डिंग्स के अंदर जो आउटलेट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी आप देखोगे तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होते हैं इसी कारण। और सेकंड आता है फायर एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुकिंग सिलेंडर्स वगैरह यूज़ होते हैं, इवन पाइपलाइंस जो होती हैं कुकिंग की, उसमें बहुत बार होता है। इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कमर्शियल में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में। ह्यूमन एरर्स के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी स्मोकिंग वगैरह भी होते हैं। वैसे तो वो जो होते हैं ना सेंसर्स होते हैं, वो लगे होते हैं मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर, बट स्टिल कभी कभी चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं। कुछ नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं, लाइटनिंग वगैरह, यानी जो बिजली कड़कना होता है। वैसे तो ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं बिल्डिंग्स में, बट कभी कभी वो काम ना करे या फिर कोई नहीं लगाए उसको। अर्थक्वेक भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, हीट वेव्स आ सकती हैं, ह्यूमिडिटी की कमी होना, ये सब अर्बन फायर के कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो स्लम एरिया में तो आप देखोगे ना,
तो गर्मियों के अंदर बहुत ही एक नॉर्मल सा एक रीज़न बनता है, कॉमन रीज़न होता है भारत के अंदर, आप देखो स्लम एरिया में, पुअर प्रिवेंशन मिटिगेशन मेजर्स। तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम लोग अभी नीचे देखेंगे भी, उनका प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस नहीं है, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर, तो ये भी एक कारण बन जाता है। हमें ये देखना है कि क्या क्या फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ढांचे को बोलते हैं, तो फायर से प्रिवेंट करने के लिए हमारे भारत के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कुछ बनाया हुआ है। तो आर्टिकल 243W जो कि 12th शेड्यूल में आता है हमारा, आप लोग इसको नोटिस अगर करोगे तो इसमें फायर सर्विसेज के अंदर जो होता है ये यहाँ पर मेंशन किया होता है, पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की होती है, तो या तो म्यूनसिपैलिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी, हैंडल करेगी। फिर मॉडल बिल्डिंग बायलॉ, ये जो बायलॉ होते हैं ना, बायलॉ एक्चुअली वो लॉज होते हैं जो एक लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो भी ज्यूरिसडिक्शन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली एक चीफ फायर ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है जो स्क्रूटनाइज करेगा पूरा। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से बनाया जाता है, तो 2016 में 3rd एडिशन आया था इसका, नेशनल बिल्डिंग कोड का। इसमें 150 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई थी फायर सेफ्टी को लेकर, और इसमें जो पार्ट 5 है ना फायर एंड लाइफ सेफ्टी का, इसमें सारी डिटेल प्रोवाइड की गई है। तो पार्ट 5 के अंदर फायर को कैसे प्रिवेंट करना है, उसमें लाइफ सेफ्टी कैसे हो सकती है बिल्डिंग्स में, है ना, ऑक्यूपेंसी वाइज क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वगैरह, इन सब के बारे में बात की गई है। तो कंस्ट्रक्शन को लेकर कैसे स्टेयर्स कैसे बनाए जाएँ, रैम्प्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सब नेशनल बिल्डिंग कोड में है। अभी आप कोई नॉर्मल तरीके से बनाओगे ना, खुद अपनी मर्जी से, कुछ लोग होते हैं ना अपना कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, तो वो इसे फॉलो नहीं करेंगे। आप किसी आर्किटेक्ट वगैरह की हेल्प से बनाओगे, इंजीनियर की हेल्प से, है ना, प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो वो इन कोड्स को फॉलो करते हैं। यही प्रॉब्लम है एक, ये यहाँ पर लिखा नहीं होगा, लेकिन यही था ना, पुअर प्रिवेंशन मिटिगेशन मेजर्स, कंप्लाई नहीं कर पाते फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक मॉडल बिल भी सर्कुलेट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन का, जिसमें फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड के बारे में बात की गई थी कि ताकि इसका इन्फोर्समेंट करना ईजी हो जाए। अर्बन फायर के कारण क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, लीगैलिटी में पहली बात तो है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, है ना, कोई कानून वगैरह की एप्लीकेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है बिल्डिंग हाइट की लिमिट्स को लेकर खासकर। मैन पावर की कमी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेबिलिटीज़ की कमी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत स्लो है हमारा। फायर रिस्क और मैपिंग की कमी है हमारे पास, पुराने और ऑब्सोलेट मशीनरी है, अर्बन डेंसिटी बढ़ गई है, रोड लेन्स बहुत नैरो होते हैं, तो अगर कभी फायर लग भी जाए तो जो फायर ट्रक होता है उसको आने में टाइम लग सकता है। एस्केप रूट ब्लॉक्ड होते हैं मोस्टली, लिमिटेड फायर सेफ्टी बजट होता है हमारा, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं। अब इनको रुकावटों को डील करने के लिए हमारे पास आगे हैं कि हम कैसे कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खतरा है कहाँ पर, कुछ बेसलाइन असेसमेंट्स होने चाहिए। उसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, होलिस्टिक का मतलब वी हैव टू कंसिडर एवरी एस्पेक्ट, एवरी डायमेंशन। पुराने लॉज एंड रेगुलेशन को अपडेट करना है, एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। पुअर प्रिवेंशन मिटिगेशन ये, यानी कि कंप्लायंस की कमी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं तो हमें उनको अपडेट भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट थे इनको रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारी वेकेंट पोस्ट रहती हैं, ऊपर था ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट, तो रिस्पॉन्स टाइमिंग की कमी है और एडमिनिस्ट्रेशन में एबिलिटी की कमी है, वेकेंट पोस्ट हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फायर एडवाइजरी काउंसिल वगैरह जो है उन्होंने कुछ डेफिशिएंसीज़, जो कमियाँ हैं ना हमारे फाइटिंग सिस्टम की, उसके बारे में बताया था। टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म की फैसिलिटीज़ कंपलसरी की जाए, हर जगह पर होनी ही होनी चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों वाले में, रेजिडेंशियल में तो बिल्कुल होना चाहिए। रिस्क रिडक्शन के लिए हम लोगों को जो भी नए कंस्ट्रक्शन होते हैं ना उन सब के अंदर अर्बन स्पेसिस का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेफ़ और एक्सेसिबल वो है या नहीं है। लोकल लेवल के ऊपर कल्चर बनाया जाए फायर सेफ्टी का, लोगों को आपस में जागरूक किया जाए। अच्छा, कभी नोटिस किया तुम लोगों ने, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, तुम लोगों ने स्कूल में कॉलेज में देखा होगा, वहाँ पे ना गैलरीज वगैरह में या आप डोर के कॉरिडोर्स में फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है ना, एक वो नोज़ल के साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है, बट कभी सिखाया कि स्कूल में तुमको ले जा करके फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है, ये प्रॉब्लम होती है। अब जब कल कब को आग वाग लग जाएगी ना, तो आदमी पहले तो बौखलाएगा, है ना, पागल होगा कि आग लग गई आग लग गई, फिर उसकी खिड़की खोलने नहीं आएगी तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उनको उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो गार्ड वगैरह को भी सोचना पड़ता है कभी कभी, तो उनको भी आइडिया नहीं होता कि वो भाग के आए बचाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। हम लोगों ने ना ऐसा कल्चर क्रिएट नहीं किया है फायर सेफ्टी का। इसके ऊपर आप लोग जब कभी एडमिनिस्ट्रेटर बनो ना, टेक दिस स्टेप, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाकर के उन बच्चों के लिए ऐसे कैंपेन्स करो कि उनको वहीं पर जो रखे हुए हैं ना उनको वहीं पर सिखाया जाए। मैंने पहली बार एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ पता है कहाँ देखा था, हमारे स्कूल का ना एक ट्रिप गया था, तो वो इंडियन ऑयल का एक वो था पूरा, क्या कह सकते हैं उसको,
कोई फैक्ट्री टाइप नहीं, फैक्ट्री नहीं होती, जहाँ पर वो रिज़र्व होता है ना, इंडियन ऑयल का रिज़र्व था, तो वो हमको लेके गए थे वहाँ पर, बता रहे थे कि ऑयल वगैरह कहाँ से आता है, कैसे बड़े बड़े वो टैंक्स में रिज़र्व होता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दिखाया था हमको एक कि अगर यहाँ ऑयल की जो बड़े बड़े रिज़र्व थे ना, वो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं पानी, वो ऑयल की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उन्होंने कहा था अगर इसमें आग लग जाएगी तो हम लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं। तब उन्होंने पहली बार हमको फायर एक्सटिंग्विशर ओपन करके दिखाया था यूज़ करके, बट वो भी सबको नहीं लेके गए थे। आई थिंक हम 7th या 8th क्लास में थे, तो वो एक ही क्लास गई थी बस, बाकी स्कूल के बच्चे गए ही नहीं थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हालांकि ये हुआ था मेरे साथ, बट मैं आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, इनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएं ताकि सिटी के अंदर अपनी खुद की कैपेसिटी हो इन चीज़ों को, ऐसे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना हो बल्कि प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, ताकि नेचुरल रिस्क को हम रिड्यूस कर पाएँ। एनवायरनमेंट सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं फटाफट। 5.13.1 फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, मतलब कोई इनिशिएटिव है, कोई पहल की जा रही है उस बायोडाइवर्सिटी को लेकर, उसके लिए कुछ अमाउंट, कुछ फंड की बात की गई है। तो एक रिपोर्ट थी फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक बैंक्स हैं ना वर्ल्ड वाइड, ये ज़िम्मेदार हैं तकरीबन 800 बिलियन यूएस डॉलर के अमाउंट में नेचर को डैमेज करने के लिए। एनुअली पब्लिक बैंक्स की वजह से तकरीबन नेचर का 800 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इन नेचर बेस्ड सर्विसेज में। नेचर बेस्ड सर्विसेज का मतलब ये नहीं कि उसमें बेनिफिट वाली नहीं, ये मैलिफिक तरीके की बात कर रहे हैं। तो जो G20 कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना और इंडिया हैं, इनकी हाईएस्ट डिपेंडेंसी रिस्क है, ताकि इंडिया का जो हाईएस्ट नेचर एट रिस्क है। इंडिया में आपको नबार्ड पता होगा एग्रीकल्चर के लिए, ये सोलली एग्रीकल्चर पर रही है, तो जो भी बैलेंस शीट होती है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होती है, तो जो भी फाइनेंस जाता है उसी साइड में जाता है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर वहाँ एग्रीकल्चर में फाइनेंस जा रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने ऊपर स्टबल बर्निंग देखा था ना, तो स्टबल बर्निंग में क्या हो रहा है, हम मैकेनाइज कर रहे हैं, मशीनीकरण लेके आ रहे हैं, उसके कारण कितना नुकसान हो रहा है। स्टबल बर्निंग पहले नहीं हुआ करता था कभी, क्योंकि वो हाथ से काटते थे मशीन में, अब मशीन आई कैसे, क्योंकि उसमें फाइनेंस ज़्यादा किया गया। तो डेवलपमेंट के कारण एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। अभी फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव जो है ये 2019 में आया था, मावा फाउंडेशन का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका गोल है कि ये इंक्रीज़ करना चाहता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बायोडाइवर्सिटी की जो मटेरियलिटी है ना, उसको इंक्रीज़ करना चाहता है। 5.13.2 में आता है क्लाइमेट जस्टिस। इसमें इंडिया ने स्टेट किया था कि स्ट्रॉन्गली हाईलाइट किया गया क्या ज़रूरत है क्लाइमेट जस्टिस की, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ना ग्लासगो में, हम लोगों ने इसके बारे में पूरी डिटेल में बात की थी ऊपर। तो इंडिया ने कहा था कि वो स्ट्रॉन्गली अपने क्लाइमेट जस्टिस को हाईलाइट करना चाहता है। तो किस तरीके से एक अनइवन इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का अलग अलग तरह के लोगों पे, अलग अलग जगह पर। तो क्लाइमेट जस्टिस एक टर्म है जिसमें हम अलग अलग तरह के सोशल, इकोनॉमिक और पब्लिक के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज मतलब उसको हम जानेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, उस पर अपना ध्यान रखेंगे। हम ये भी रिकॉग्नाइज करेंगे इसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन पर, और क्लाइमेट चेंज को हम सेंटर पे रखेंगे अपने सभी क्लाइमेट एक्शन के डिसीजन में। 5.13.3 में एमिशन गैप रिपोर्ट की बात की गई थी 2021 की, इसको यूएनईपी ने रिलीज़ किया था। ये हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी, हम लोगों ने ऊपर जो गैप वाले की बात की थी, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही। तो एनुअल सीरीज़ होती है ही, है ना, कि किस तरीके से ग्रीन हाउस के जो गैस एमिशन्स हैं 2030 तक के प्रेडिक्ट कैसे किए जा रहे हैं और वो होंगे कितने। मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने प्रेडिक्ट किया कि 2030 तक 1000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, लेकिन हो जाता है 1500 का। तो ये एमिशन का गैप हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर। तो 30% कट की रिक्वायरमेंट है जो 2 डिग्री सेल्सियस तक की वार्निंग है उसके लिए, और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो ये एवरेज टेम्परेचर राइज की बात की जा रही है, ध्यान रहे ये नॉमिनल नहीं है, ये एवरेज है। तो 55% कट करना पड़ेगा हम लोगों को, कट किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस के अंदर। तो इस टॉपिक में इस रिपोर्ट का नाम और ये एक डेटा ही काफ़ी होता है, पूरी रिपोर्ट को एक एक चीज़ जानना इतना इतना परसेंट ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए आप चाहो, आपको मन हो तो आप बेशक पढ़ लेना, बाकी एमिशन गैप रिपोर्ट हमेशा रहती है न्यूज़ में, और ये मेजर इसका डेटा था यहाँ पर। ग्रीन रिकवरी को लेकर ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत हैं ये।
हमें अपने कमिटमेंट्स को अपहोल्ड करना पड़ेगा। जो हमारे 2030 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, 15 साल के लिए, 2015 से 2030 तक, हमें इनको अपहोल्ड करना पड़ेगा। देखो, दोबारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई तो दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ। पहला था नो पॉवर्टी, दूसरा था जीरो हंगर, तीसरा था गुड हेल्थ और वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा जेंडर इक्वालिटी। बार बार रिपीट करता रहता हूँ, पूरी वीडियो के अंदर याद हो जाना चाहिए। दोबारा से, पहला पॉवर्टी, सेकंड हंगर, थर्ड हेल्थ, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर। इसका कोई निमोनिक मत बनाना, सिंपल तरीके से पहले पांच याद रखो। रेजिलियंस बिल्ड करना है, क्लाइमेट के द्वारा जो भी रिस्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें हमको मिटिगेट करना है। मिटिगेट मतलब उसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश करनी है। पार्टिसिपेशन को सेंटर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स की प्रायोरिटीज़ को भी हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर काम करता है वेलफेयर के लिए, प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट के लिए। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एनरोल कर देंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों, अच्छा ये हुआ भी था ना, हम लोगों ने ऊपर मीटिंग एक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक में था, कि प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो लोग भी क्लाइमेट को लेकर जो भी अपने कंपनीज में काम करते हैं कॉर्पोरेट में, दे शुड ऑल्सो इंक्लाइन देयर ऑल देयर ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, उसको मिटिगेट करने के लिए। अलायंसेस यानी कि हमको संगठन बनाने पड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया फ्रांस के साथ। तो पहले इसमें क्या था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच की कंट्रीज थी ना, सिर्फ उन्हीं को अलाउड था मेंबर बनना। हमने फिर इसको और एक्सपेंड किया, तो हमें अलायंसेस और बनाने होंगे ताकि गवर्नेंस के अप्रोचेस को शेयर किया जाए। जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब क्या, ट्रेडिशनल फ्यूल कौन से थे हमारे, ऑयल था, नेचुरल गैस वगैरह थे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। तो उस ट्रांजिशन को तेज करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम क्रिटिकल सिचुएशन में, इमरजेंसी में हैं। ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, कुछ ऐसा ना हो कि इसके पीछे पीछे कोई खेल खेलता रहे, करप्शन चलता रहे, है ना, लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत सारे फंडिंग यूज़ की जाती है, और सब कुछ ईमानदारी से हो, एंड कहाँ कहाँ पर कितना फाइनेंसिस वगैरह इंक्लूड किया जा रहा है, उसकी पूरी रिव्यू, मॉनिटरिंग, फीडबैक, स्क्रूटनी हो। 5.13.4 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज़ किया था। क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना, ये 413 ppm पहुंच गई थी 2020 में, और ये इंडस्ट्रियल लेवल का अभी 149% है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है। WMO के द्वारा उन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने 149% पे पहुंच गई इंडस्ट्रियल लेवल के। तो ये इतना हाईलाइटेड पार्ट आप नोट डाउन कर लो, एज़ पर WMO CO2 हैज़ रीच्ड 149% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मिथेन 262%, N2O 123%। ठीक है, ये 1750, हम लोगों को याद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की थी ना, 1760 से लेकर 18, कुछ बोलते हैं 1820, कुछ कहते हैं 1840, तो आप 1830 मान लो, तो वो तब की बात कर रहे हैं, तब जो लेवल था उससे और आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये। 5.13.5 में क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत ने जॉइंटली टूल लॉन्च किया है। किसके लिए है ये, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो महात्मा गांधी का जो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना मनरेगा, इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ा था इस बार ही, इसी मंथ की मैगजीन में, तो इसको 7 स्टेट्स में हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, ताकि क्लाइमेट की जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना, उसको वाटरशेड प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट कर लिया जाए, ये इसका मोटिव है। IRIS, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आइलैंड स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, अब वर्ड से बहुत क्लियर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया आइलैंड स्टेट, इवन UK भी आइलैंड स्टेट हो गया है, श्रीलंका एक आइलैंड स्टेट है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, UK और ये इन सब के साथ मिलकर एक नया ग्रुपिंग लॉन्च किया, जिसका नाम है IRIS, है ना। तो ये स्पेशली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी ना 2021 में हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये इसी के साथ हुआ है। देखो 2015 में इंडिया क्या लेके आया था, ISA, ठीक है, अभी 2021 में इंडिया किसके साथ आ गया है इसमें, IRIS के साथ। तो ISA IRIS, ऐसे से ध्यान रखना इनका। 5.13.7 में एक नोटिफिकेशन आई है मास एमिशन स्टैंडर्ड्स को लेकर, E12 ये कि इथेनॉल 12% और इथेनॉल 15% के फ्यूल्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो मास एमिशन के कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है, 12% एथिलीन विद गैसोलीन या फिर 15% इथेनॉल विद गैसोलीन के द्वारा। ये जो 2021 के सेंटर मोटर व्हीकल्स एक्ट है ना, उसमें अमेंडमेंट भी किया गया है,
तो उनके लिए कुछ कंडीशन बना दी गई है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए कि उनको ऐसे व्हीकल बनाने हैं जहाँ पर इथेनॉल गैसोलीन में 15% या 12% यूज़ किया जा सकता है डिप अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली। उनको क्लियरली विजिबल स्टिकर भी दिखाना होगा इस व्हीकल के ऊपर कि ये व्हीकल इतना परसेंट इथेनॉल यूज़ कर सकता है, ये व्हीकल इतना परसेंट, ठीक है। हालांकि हमारा जो प्रोग्राम है ना इथेनॉल ब्लेंडिंग का, हमारा टारगेट है 2023-24 तक हम लोग इसी इथेनॉल को 20% तक ऐड करेंगे। ये इथेनॉल वाला ना पूरा डिटेल में टॉपिक हम पिछले 2-3 महीने की मैगजीन में कवर किया है, इथेनॉल का क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम इतना कंपेयर करना चाह रहे हैं, क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के व्हीकल्स होते हैं। मोनोफ्यूल यानी कि व्हीकल में सिर्फ एक तरह का फ्यूल डलेगा, वो भी नेचुरल गैस। बायोफ्यूल मतलब व्हीकल में दो तरह के फ्यूल सिस्टम हो सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है ये किसी भी तरह की ब्लेंडिंग के ऊपर, मतलब इसमें मिक्सचर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फ्यूल्स का, गैस डल सकती है इसमें, पेट्रोल डल सकता है इसमें, ये इथेनॉल वाला भी कुछ डल सकता है या फिर कोई दूसरा सेल टाइप का हो सकता है। तो इसके अंदर ये जो फ्लेक्स व्हीकल्स होते हैं ना, फ्लेक्स फ्यूल वाला FFV, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये इथेनॉल को 83% तक यूज़ कर सकता है। ये याद रखना, ऐसे टर्म्स प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। 5.13.8 में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया था EPR के लिए। ये जो EPR था ना, ये प्लास्टिक वेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और EPR का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये EPR किस चीज़ का होता है? EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने प्रोड्यूस किया है ना वो वेस्ट, उसी की जिम्मेदारी है, अब उसी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो ड्राफ्ट जो था इसमें, जो एनवायरनमेंट का जो एक्ट है ना हमारा EPA, उसी के थ्रू कुछ रेगुलेशंस की बात की गई थी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्वालिटी को होती है ना वेस्ट की, उसको मैनेज किया जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स के द्वारा। तो EPR जो है एप्लीकेबल होगा बोथ प्री कंज्यूमर पर और पोस्ट कंज्यूमर के प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट पर, दोनों पर। ये हमें याद रखने का पॉइंट है इसमें। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, जो PIBUs जो हो गए प्लास्टिक वेस्ट का, ये होगा एक सेंट्रलाइज्ड EPI पोर्टल है, इसको डेवलप किया है CPCB ने, उसके ऊपर इनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुछ टॉपिक्स में ना ये हाइलाइटेड पॉइंट जो मैंने कर दिए ना, इतना ही पढ़ने का है, बाकी सब जनरली ऊपर वाले सब टॉपिक्स में कवर हो जाता है, ये मेजर अपडेट्स होते हैं। 5.13.9 में UNEP ने पब्लिश किए थे कुछ साइंटिफिक असेसमेंट प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। इसमें क्या है, एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है पॉल्यूशन से सॉल्यूशन। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, जो मरीन यानी कि ओशन में जो लिटरिंग यानी कि जो कूड़ा करकट जो फैलाया जाता है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, तो उसमें कैसे साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हम अर्जेंटली एक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका एक असेसमेंट किया है। उस पब्लिकेशन का नाम है पोल्यूशन से सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट का एमिशन है ना, स्पेशली जो वाटर वाले इकोसिस्टम होते हैं, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, ये प्रोजेक्शन है कि 2040 तक ही 3 times हो जाएगा अगर हमने इसके ऊपर कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया तो। और उसमें मेन सोर्स बताया गया था कि जो मरीन लिटर का होता है ना और प्लास्टिक पॉल्यूशन का, वो लैंड बेस्ड है, यानी कि सारा जो लिटर जा रहा है ना वो लैंड के थ्रू जा रहा है, और उसमें भी आउटलेट कोस्टल पॉइंट्स पे ही होते हैं सारे। तो इस पब्लिकेशन में ये सब बताया गया था। कुछ रिकमेंडेशन दिए उन्होंने कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, डेटा शेयरिंग करो, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करो, ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाओ, रिसर्च डेवलपमेंट करो, इन सब चीज़ पे काम करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। 5.13.10 में ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ का एक चैलेंज है हमारा। तो जो वेस्ट एड है इसके लिए दो विनर्स चूज़ किए गए थे, एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली, श्री गुरु प्लास्टिक है ये गुवाहाटी से हैं, और इसके अलावा दो सिटीज़ और हैं, जोहानसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है और हो ची मिन सिटी। अच्छा, ये हो ची मिन से ना कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो चाइना की सिटी होगा, नहीं ये वियतनाम में है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जोहानसबर्ग को ना सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। 5.13.11 में ग्रीन ग्रिड्स का इनिशिएटिव है, बेसिकली वही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला, ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट की बात। तो ये तो हमने पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले ही, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या होता है। इसमें पॉइंट ये है कि वर्ल्ड बैंक इसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा 140 कंट्रीज़ को। विजन क्या था, सन नेवर सेट्स, याद रखना, फर्स्ट फेज़ में एशियन कंट्रीज़, सेकंड फेज़ में जो अफ्रीकन नेशंस है वो, थर्ड फेज़ में पूरा ग्लोबल कनेक्शन हो जाएगा। ये मैंने पूरा आपको पढ़ा बता दिया था ये, तो यहाँ पर इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5.13.12 में है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। तो नीति आयोग ने ना इसरो के साथ मिलके हमारा एक GIS एनर्जी मैप लॉन्च किया है। इसमें क्या है ना, हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज लोकेटेड है ना,
उस सब का हमको एक मैप क्रिएट किया गया है। उसमें 27 थीमेटिक लेयर्स हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पावर प्लांट कैसे कैसे हैं, है ना, कहाँ ऑयल एंड गैस के वेल्स हैं। तो ये एक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है ना, उसी में ये सब मेंशन था कि हमारे पास एक एनर्जी रिसोर्सेज का मैप होना चाहिए। तो नीति आयोग ने मिलकर ये इसरो के साथ बनाया है। 5.13.13 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मैंडेटरी कर दिया है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो सकती है ना, कि इनको अपना एनर्जी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्या है ना, एनर्जी अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जो भी बिजली, जो एनर्जी है ना, उसका इनफ्लो कितना हो रहा है, कितने वोल्टेज लेवल के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन जो पैरेफ्री होती है नेटवर्क की, पैरेफ्री मतलब जो बाउंड्री होती है उसमें कितना रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, कितने ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं, प्लस कहाँ कहाँ एंड कंज्यूमर्स हो, इन सब का एक एनर्जी अकाउंटिंग करना होगा। तो इतना ही है इसमें जानने लायक कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये कंपल्सरी कर दिया है एनर्जी अकाउंटिंग। रेगुलेशन को इशू किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी ने। ब्यूरो ऑफ एनर्जी के बारे में भाई जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लेना, ये प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछ चुके हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो इसकी वेबसाइट पर थोड़ा नज़र डाल के जाना जब आपका एग्ज़ाम हो तब। और ये सब है हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर। तो BEE क्या है? स्टेचुएटरी बॉडी है। और आर्टिकल ये जो सॉरी हमारा जो एक्ट था EC एक्ट 2001, उसके अंडर इसको सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का दूसरा टॉपिक है 5.13.14 में, इन्होंने ग्रीन डे एड मार्केट का पोर्टल लॉन्च किया है। डे एड मार्केट क्या होता है? देखो जैसे हम लोग शेयर मार्केट होता है ना, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, मनी वगैरह की ट्रेडिंग, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो डे एड मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग मार्केट होता है जहाँ पर फॉलोइंग डे पर उसकी डिलीवरी की जाती है, यानी कि आज आप ट्रेडिंग करोगे कल उसकी डिलीवरी हो जाएगी इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको ग्रीन डे, अब ग्रीन की बात आ गई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है ना, पावर परचेज के जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मार्केट बेस्ड मॉडल्स पर। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस सिग्नल्स मिलेंगे। अब क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कीमत उसकी नीचे गिरेगी। कीमत नीचे गिरेगी तो किसको फ़ायदा होगा? पूरी कंट्री के सिटीजन्स को फ़ायदा होगा। फिर अगर कॉम्पिटिशन होगा ना, तो लोग अपनी एफिशिएंसी पर काम करेंगे, स्पेशली जो ग्रीन एनर्जी का ट्रेड होता है ना उसके अंदर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे PXIL पिक्सेल एक इनिशिएटिव है ना, IEX भी है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी है। उन्होंने एक रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट भी लॉन्च किया था, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं ना पूरे इंडिया के अंदर, जो भी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है वो रियल टाइम में यानी कि हैंड टू हैंड परचेज और सेल कर सकते हैं। 5.13.15 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किए कुछ रूल्स किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए और क्लीन एनर्जी के प्रमोशन के लिए। टाइटल से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया है, इसमें कुछ था नहीं। इसमें की हाईलाइट में यही था कि अगर जो मान लो सप्लाई आपकी जो पावर प्लांट से नहीं हो पाती है ना, तो कंज्यूमर को उसके लिए कुछ कंपेंसेशन दिया जाएगा। कंपेंसेशन का मतलब क्या होगा, कुछ मुआवजा उसको दिया जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, सिंस उनकी सप्लाई वगैरह जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है, हालांकि प्राइवेट वाले भी अच्छे होते हैं, रिलायंस वगैरह हो गया, अदानी वगैरह हो गए, तो वो अपनी पावर को पावर एक्सचेंज पर बेच भी सकते हैं और उनको उनकी कॉस्ट सूटेबली वहाँ से मिल भी सकती है। अगर डिले होता है लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस में, ये कुछ प्रॉब्लम होती है इनकी पहले, है ना, पेमेंट के डिले हो जाया करते थे इनके, पावर परचेज के एग्रीमेंट्स वगैरह में रीनेगोशिएट करना पड़ता था लोअर टैरिफ के कारण, तो इसलिए इन्होंने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली थी। बस इतना ही इस टॉपिक में। 5.13.16 में है टेरेस्ट्रियल वाटर्स, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेरेस्ट्रियल वाटर्स का एक ये देखो आप समझने की कोशिश करो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या होता है, ये आपको कुछ माउंटेन टाइप, ये रिवर दिख रहा है, ये लेक दिख रहा है ना, ये सॉइल का मॉइस्चर है, ये स्नो है, ये ग्राउंड वाटर है, ये वेटलैंड है और ये ओशियन है, ये सब टेरेस्ट्रियल वाटर के टेरेस्ट्रियल देखो स्टोरेज है ये वाटर के। वर्ड से समझ जाओ टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, उसी तरीके से। तो एक रिपोर्ट आई है 2021 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज के नाम से, किसने रिलीज़ किया है, WMO ने। क्या बताया उन्होंने कि ये जो टेरेस्ट्रियल वाटर का स्टोरेज है ना, ये ड्रॉप हो रहा है। रेट क्या है, पिछले 20 सालों में 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, यानी कि अब तक 20 सेंटीमीटर ड्रॉप हो चुका है। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज को डिफाइन किया जाता है, ये समेशन होता है जो भी वाटर है ना लैंड और सरफेस के ऊपर इस सब सरफेस में। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन और जो नेचुरली इंड्यूस्ड स्ट्रेसर्स होते हैं ना, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, और इंडिया के अंदर तो ये ज़्यादा कर रहा है, वर्ल्ड में था 1 सेंटीमीटर, इंडिया में ये पर ईयर 3 सेंटीमीटर तक चल रहा है, तो यानी कि 60 सेंटीमीटर तक ये रिड्यूस हो चुका है। तो इंडिया टॉप मोस्ट हॉटस्पॉट राइस लॉस का, एंड 21 रिवर बेसिन है इंडिया के, वो उनमें एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी आई है। 2050 तक 6
एब्सोल्यूट वाटर स्कार्स बन जाएंगे और 6 जो है वाटर स्कार्स बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे वाटर टेस्ट। तो ये इसमें अपडेट था। बन्नी बफेलो, इंडिया का पहला बन्नी बफेलो था, उसको IVF से एक काफ का जन्म हुआ है। बन्नी बफेलो याद रखना है मालधारी कम्युनिटी में हुआ है ये, बफेलो यानी कि भैंस आपको पता होगा, और बन्नी बफेलो एक उसको नाम दिया गया, बेसिकली कच्छ रीजन में पाए जाते हैं। एलियम निग्यानम ये एक प्लांट है जिसको डिस्कवर किया गया है उत्तराखंड में, 2019 में था ये। तो इसमें कुछ स्टेपल फूड्स वगैरह का जीनस मिलता है, स्टेपल यानी कि जो खाया जा सकता है, जो लंबे समय तक रखा जा सकता है, और डोमेस्टिक कल्टीवेशन किया जाता है इसका, वेस्टर्न हिमालयन के रीजन में ये पाया जाता है। बस ये था इसमें न्यूज़ इन शॉर्ट में, 20 मिनट लगे बट ठीक है। अगर आपको ये माइंड मैप्स चाहिए मोर देन 600 टॉपिक्स के, करंट अफेयर्स में भी और स्टैटिक में भी, जैसे एक्सट्रेडिशन हो गया तो इसमें नोडल अथॉरिटी कौन होता है, उसमें बास टू एक्सट्रेडिशन क्या है, या फिर कोई रिसेंट अमेंडमेंट है, कोई नया बिल आया है, कोई नया एक्ट आया है, उनके कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, की एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर कोई स्टैटिक का टॉपिक है जैसे अहोम किंगडम है, उसका सोसाइटी कैसे काम करता है, रिलीजन कैसे काम करता है, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मिशन क्या था, बेनिफिट्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, और आपको और सैंपल्स देखने हैं उसका लिंक भी, उसमें टाइम स्टैम्प गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच इट एंड डाउनलोड कर सकते हो। 600 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं यहाँ पर।